अगर आपको ये लग रहा है कि वेद व्यास और वाल्मीकि से बेहतर आप उनकी कहानी बता देंगे, तो इसको जरूर मिथ्या बोलना चाहिए। पर अगर आप बोलते हैं कि मेरे राम रहे हैं सच में, मेरे कृष्ण रहे हैं सच में, मतलब वो सत्य था, तो अगर वो सत्य था तो उसका नाम सत्यालॉजी होना चाहिए। रावण का नाम जो है भगवान का वन है और राक्षस का राह है, वो मिला के बनता है रावण। भगवान कौन है, एलियन थे? हैं तो भी तो हमसे तो ऊपर ही है ना, हमसे तो आगे ही है। हर जानवर या पक्षी जो है हमारे देवताओं के भगवान की सवारी रही है तो हाँ, लेकिन क्यों है? इसलिए क्योंकि हमको उस समय भी इस बात का की समझ थी, पूरा जो इकोसिस्टम है उसके लिए ये सब का होना जरूरी है। हमारी जड़ें हमारा कल्चर है, हम जब तक अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तभी तक हम जीवित रहेंगे। कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। डॉक्टर डिप्रेशन से निकलने के लिए सजेस्ट करते हैं कि बुक रीडिंग करो। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने डिप्रेशन से निकलने के लिए बुक राइटिंग की है। थोड़ा और इंट्रोडक्शन देती हूँ उनका। ऑथर हैं, पोएट हैं, स्क्रीन राइटर हैं। इतने से भी नहीं समझे उर्मिला पुत्र, इससे भी नहीं समझे तो फुल टाइम हस्बैंड, 120 मिलियन से ज़्यादा उनकी सोशल मीडिया रीच है, और वो हैं अक्षत गुप्ता जी। नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका धर्मा लाइव पर, एबीपी लाइव पर। थैंक यू सो मच। मैं आपको सर नहीं कहूंगी, सर इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि हाल ही में मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने सर शब्द के बारे में कुछ बताया था। क्या बताया था और सर शब्द का मतलब क्या है वो आप बताइए। इस पे कुछ लोग मुझसे असहमत हैं, ये सुनने वालों में से भी कुछ असहमत होंगे, पर जो होंगे उसका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा आपके माध्यम से। ऐसा है, देखिए हम दो ही जगह से चीज़ें सीखते समझते हैं, या सुन के या पढ़ के। तो मैंने बचपन से कई अलग अलग बुद्धिजीवियों के मुंह से बात सुनी है जो मैं अब अपने नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सर शब्द का फुल फॉर्म होता है स्लेव आई रिमेन। ये ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अफ्रीका में ये चलन शुरू किया था, क्योंकि जब उनको स्लेव्स बनाया जाता था, उनको बंदी बना के, उनको गुलाम बना के, जो कि उसका सही शाब्दिक अर्थ है। मान लीजिए कि चार लोगों के एक परिवार में 6 स्लेव्स हैं, तो वो लोग यूनाइट होके रिवोल्ट कर देते थे कि उन चार को ही बंदी बना दिया है, ज़्यादा मार दिया है, किसी की जान ले ली, कि हम बराबर हैं, हमारे में भेदभाव क्यों कर रहे हो, हम नौकरशाही, मतलब हम नौकर क्यों हैं। तो इस चीज़ को मेंटली सबकॉन्शियसली तोड़ने के लिए इन लोगों ने इस शब्द का ईजाद किया था उस वक्त, और इन्होंने उन लोगों को कहा था कि आज से आप हमको सर कहेंगे, ताकि उनकी जो आने वाली जनरेशन, मतलब उन 6 में से जो 3 बच्चे हैं जो अब बड़े हो रहे हैं, वो उनको अपने बड़ों को सर बोल बोल के सुनते हुए देख के वो भी सर बोलना चालू। आप तो वही सीखते हैं ना जो आप देखते हैं। और उन लोगों को उस वक्त मालूम होता था कि सर का फुल फॉर्म है स्लेव आई रिमेन। तो सबकॉन्शियसली उनका जो मनोबल है या उनकी ये जो सोच है कि आप और मैं बराबर हैं, उस चीज़ को तोड़ने के लिए शब्द बना के बुलवाया गया था। वो चल निकला, 1-1.5 जनरेशन निकली, और उसके बाद उनको दिखा कि रिवोल्ट्स बंद हो गए, कि आप 3 ब्रिटिशर्स अगर 15 स्लेव्स को भी संभाल रहे हैं, जिस और उन 3 में से 1 महिला है, 1 बच्चा है, तो भी वो रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। तब उस शब्द को और फैला के भारत लाया गया था। ये मैंने कई जगह से सुना, तो मैंने कहीं कह दिया तो कईयों ने उसका बड़ा शाब्दिक अर्थ निकाला और बताया कि नहीं, डिक्शनरी में ऐसा लिखा है, तुम यहाँ पढ़ो, तुम वहाँ पढ़ो, कुछ भी बोलता है ये आदमी। आप एक बात बताइए, यदि मैं कुछ गलत करके आऊँगा और आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं गलत करके आया हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो उसका काउंटर ही दूंगा ना आपको। तो आपको क्यों लगता है, आप मुझे बता रहे हैं कि यूके की डिक्शनरी पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि सर शब्द कहाँ से आया और क्यों, यू नो, क्यों बना, और ये फुल फॉर्म कुछ नहीं है। आपको लगता है कि जिन लोगों ने ये पूरा कांड किया था वो आपको बताएंगे कि हमने ये कांड किया था? वो तो आपको कुछ और ही बताएंगे ना। और बिल्कुल सही बात है, हमारे देश में देखा जाए तो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, जो पुरानी चीजें थी उनको बदली जा रही है, एक नया भारत बन रहा है। तो इसमें सर शब्द का इस्तेमाल किया आपने, जो बात की है, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें जो है अच्छी लगेंगी। अभी तक जितने लोगों ने आपसे इस चीज़ को लेकर जो सहमत नहीं है, असहमत है,
मुझे लगता है जब ये शायद अगर मोदी गवर्नमेंट तक या आगे बात पहुंचे तो वो भी इस चीज़ को बंद करने की कोशिश करें, हम तो यही चाहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सूत जी के बारे में आप जानते होंगे, कह सकते हैं सूत जी सबसे बड़े स्टोरी टेलर थे। आज के टाइम पे आप वही कर रहे हैं, तो आज के जनरेशन के लिए आप भी ये सूत जी का काम कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं इस बात से बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा खुद ये मानना है कि हमारे हम जो भी हैं अपने पूर्वजों का अंश हैं, है ना, वंशज बोला जाता है, तो वो जो पहले थे उनका अंश, तो अंश मतलब इनकम्प्लीट ही होगा ना, अंश मतलब अंश मात्र, मतलब वन पीस ऑफ, तो उनकी बराबरी तो नहीं हो सकती है और होनी भी नहीं चाहिए। तो मुझे पर्सनली भी इस बात से बड़ी तकलीफ़ रहती है जब लोग रामायण और महाभारत जैसी चीज़ों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। आप उसका शाब्दिक अर्थ लिख देंगे तो ठीक, या उस पर कुछ छेड़खानी होने लग जाती कि वेद व्यास ने जो लिखा है उसका मतलब वो ये कहना चाह रहे थे, वो जो कहना चाह रहे थे वो लिख के गए, उनको पता था कि उनको शब्दों का चयन कैसे करना, वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे कि कलयुग में आप पैदा होंगे या होंगी और फिर आप बताएंगे कि नहीं रामायण को मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ। तो आप नई चीज़ें लिखिए ना, आप आज की कहानी लिखिए, आप काल्पनिक कहानियाँ लिखिए, अगर आप एंशियंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के माध्यम से कुछ समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि वेद व्यास और वाल्मीकि से बेहतर आप उनकी कहानी बता देंगे, तो इसको ज़रूर मिथ्या बोलना चाहिए, बजाय उसको माइथोलॉजी कहने के इस सोच को ज़रूर मिथ्या कहना चाहिए कि हम उनसे बेहतर कर लेंगे। तो आप, और ये मुझे लगता है कि पूरे देश का की यही मान्यता होगी, नहीं तो आदि पुरुष का जो सीक्वेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग था वो करेक्ट था, पर आपने उसको क्यों नकार दिया? उसका तरीका बोलने का, डायलॉग जो थे जी, क्योंकि इस तरीके का संवाद भी हम, जब आप संवाद में छूट नहीं देना चाह रहे हैं तो आप कैसे छूट दे सकते हैं कि आपके हिसाब से वेद व्यास जी ने ये कहा था लेकिन मेरे हिसाब से वेद व्यास जी ने ये कहा था। अब मुझसे कई बार लोग पूछते हैं नेहा जी कि अगर मुझे गीता समझनी है तो मैं आज के कौन से राइटर को पढ़ूँ? आपको गीता समझनी तो गीता पढ़ो, आप आज के किसी राइटर के माध्यम से गीता क्यों समझना चाह रहे हैं? गीता का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लीजिए ना, उसका शाब्दिक अनुवाद लीजिए, उसको गीता कैसी दिखती है और उसको गीता कैसी दिखती है वो आपकी नज़र क्यों बन रही? महाभारत और रामायण मैं समझना चाह रहा हूँ तो मैं कौन से राइटर को पढ़ूँ? आप महाभारत समझना चाह रहे हैं तो आप वेद व्यास को पढ़िए, और अगर आप रामायण पढ़ना चाह रहे हैं तो आप वाल्मीकि को पढ़िए, जिन्होंने सबसे पहली बार ये लिखा है वही बताएंगे ना आपको कि ये कहानी क्या है। तो ये जो नाम आपने लिया है ये सब तो हमसे बहुत, हम तो इनसे बिना मिले सीखे हैं, हम जैसे जितने हैं वो शायद एकलव्य जैसा काम है कि मुलाकात कभी हुई नहीं, ये रोनी को आगे रख के चल रहे हैं। आपके बुक के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, द हिडन हिंदू। मैंने सूत जी इसलिए कहा क्योंकि जिस तरीके से आप कहानी को रखते हैं, पुरानी जो चीजें हैं उसको आज की जनरेशन बहुत जो है कैच कर रही है, उसको पसंद आ रही है, आपके बुक द हिडन हिंदू, उसके बारे में कुछ बताइए। कैसे माइंड में आपके ये थॉट आया इस किताब को लिखने का, किस तरीके से आपने सोचा, क्या क्या चीज़ें हुई, आपको कितने हर्डल्स आए, परेशानियां झेलनी पड़ी इस बुक को लिखने के समय? परेशानी तो नहीं, मगर बहुत, ये किताब मेरे जीवन काल के सबसे बुरे वक्त का साथी है, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा अभी कि डिप्रेशन में जब लोग होते हैं तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि किताबें पढ़ो, तो मैं पढ़ने की जगह लिखना चुन लिया मैंने गलती से, उस समय लगा गलती कर रहा हूँ, अब शुक्रगुजार हूँ उस सोच का जो मुझको आज आपके साथ बिठा पाई। द हिडन हिंदू, अब मैं अपने आसपास, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री और होटल व्यवसाय में था, तो मैं आसपास रेगुलरली देख रहा था कि जो बच्चे आ रहे थे उनका जो उनके साथ चलने वाला जो बैग होता था उसमें सारे वेस्टर्न कल्चर के सुपर हीरोज बने होते थे। लड़का है अगर तो उसके पास आयरन मैन का बैग होगा, स्पाइडर मैन का बैग होगा, लड़की है अगर, बच्ची है अगर, तो फ्रोजन या कैप्टन मार्वल, इस तरीके की। हम लोगों को पूरी दुनिया जाननी चाहिए, हम नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम में हम पूरी दुनिया जानते थे,
और मैं बार बार कहता हूँ कि इस पूरे विश्व का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसी जाहिल नालायक ने जला दिया। वो मेरा नुकसान, आपका नुकसान, देवभूमि भारत का नुकसान नहीं है, वो पूरे विश्व का नुकसान है। तो मुझे लगा कि ये जो जनरेशन है जो आजकल स्क्रीन पे बिल्कुल, उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनको सब दिखता है सामने और उनको वो भाषा समझ में आती है और उस भाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगर आयरन मैन बड़ा कूल है और हल्क जो है वो एक साइंटिस्ट है और उसके दो रूप हैं, ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, हमको पूरी दुनिया जाननी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको आउटर स्पेस और आउटर वर्ल्ड जाने के पहले इनर स्पेस और इनर वर्ल्ड जानना चाहिए। तो एज अ कल्चर हमारा इनर स्पेस जो है हमारे अपने सुपर हीरोज, तो ग्रीक माइथोलॉजी की आप बात करेंगे तो हमको ग्रीक माइथोलॉजी ज़्यादा मालूम है बजाय अपने कल्चर के। मैं अपने कल्चर के साथ माइथोलॉजी के शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये भी मानना है कि अगर आप उसको मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, पर अगर आप बोलते हैं कि मेरे राम रहे हैं सच में, मेरे कृष्ण रहे हैं सच में, तो आप प्रमाण इस पे ऑथेंटिसिटी डाल रहे हैं, इस पे स्टैम्प कर रहे हैं कि रामायण और महाभारत हुआ था, मतलब वो सत्य था। तो अगर वो सत्य था तो उसका नाम सत्यालॉजी होना चाहिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि वो मिथ्या नहीं था तो फिर आप माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल ना करें या सोच समझ के करें। तो जब आप आज की डेट में आप किसी यंग लड़के लड़की से पूछेंगे कि मेड्यूसा कौन है, तो वो बताएगा आपको कि एक ऐसे चुड़ैल जैसी थी जिसके ना जितने बाल थे वो सब एक एक सांप थे, और जब आप उसके आँख में देखते थे ना तो आप पत्थर के हो जाते थे। आप उससे पूछेंगे कि ज्यूस कौन है, तो वो बताएगा कि आसमान में रहता है, बीच बीच में ज़मीन पे आता था, और उसके बच्चों का नाम था हरक्यूलीस, अकीलीस, ये वो दुनिया जहान की चीज़, और उसका औजार जो था वो थंडर बोल्ट था। फिर आप अचानक से पूछेंगे कि इंद्र के बारे में बताओ, तो वो एरावत का नाम नहीं बता पाएंगे आपको कि उनका वाहन जो था वो तीन चेहरे वाला हाथी था जिसको एरावत कहते थे, या उनके उनका जो औजार था उसका उसको वज्र कहते थे। तो मुझे लगा कि यंग जनरेशन को, जिसमें मेरे सुपुत्र भी शुमार हैं अभी भी, पर मैं पिछले 9 साल से मिल नहीं पाया उनसे, उनके लिए मैं ये कहानी लिखना चालू किया था कि यार बड़े होते होते पूरी दुनिया जानो, लेकिन आप और मैं कभी किसी पेड़ को उड़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। हम फिल्मों में और कहानियों में भी नहीं दिखाते हैं कि पेड़ उड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमको भी पता है कि पेड़ों को भी पता है कि वो तभी तक जीवित है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारी जड़ें हमारा कल्चर है, हम जब तक अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तभी तक हम जीवित रहेंगे, नहीं तो अनगिनत ऐसी सभ्यताएँ हैं जिन्होंने जब जब अपना जड़ छोड़ा आज उनका नाम लेने वाला नहीं बचा। तो मैं इसको बहुत सिंपल भाषा में, मैंने एक फिक्शन स्टोरी, काल्पनिक कथा लिखी, जिसका मोटे तौर पे कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है, आप अघोरी तो समझती हैं, तो एक अघोरी पकड़ में आया है 2020 में जिसका इंटरोगेशन किया जा रहा है और अलग अलग एक्सपर्ट्स बैठ के उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, और इंटरोगेशन में उससे पूछा जाता है तो जवाब में बताता है वो कि मेरा नाम ओम शास्त्री है, मेरी उम्र 40 साल के आसपास है और मेरी उम्र ठहर गई है, मेरी उम्र बढ़ती नहीं, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ, मैं सत्ययुग से देवभूमि भारत में हूँ, मैं चारों युग जी चुका हूँ, मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला हूँ, कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जो जिसके बारे में दुनिया ने अब तक कभी सुना नहीं है, और मैं ढूंढ रहा हूँ उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और अब तक मैं छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, इसीलिए किताब का नाम रखा है द हिडन हिंदू। और मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी साहब की जो समकक्ष हैं, साक्षी धोनी, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है मुंबई में, फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, और उन्होंने इसके राइट्स खरीदे, तो हम इस पर 3 पार्ट में फिल्म बनाने की कवायद हमने शुरू कर दी। तो मैं कह सकती हूँ कि मॉडर्न सूत जी की सत्यलॉजी हर किसी को पढ़नी चाहिए, द हिडन हिंदू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़े, आपने एक आजकल क्या है ना ट्रेंड है, आपने ये जो बात बताई कि चिरंजीवी के बारे में आपने किताब में लिखी है, 7 चिरंजीवियों के बारे में हम जानते हैं, क्या 7 चिरंजीवी है, 8 चिरंजीवी है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को डाउट है, किताबों में अभी तक वो 7 चिरंजीवियों के बारे में पढ़ते आए हैं और आजकल सोशल मीडिया पे पूरी वीडियो कोई नहीं देखता है, वो क्लिप काट देते हैं और वो वायरल हो जाती है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चिरंजीवी कितने हैं, 7 या 8? देखिए, चिरंजीवी 7 ही हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है, आप सही कह रही हैं कि 7 चिरंजीवी नहीं 8 हैं, तो कोई बोलता है कि 8वें चिरंजीवी मार्कंडेय हैं। मार्कंडेय को चिरंजीवी का वरदान नहीं मिला था,
मार्कंडे को दीर्घायु का वरदान मिला था। चिरंजीवी का मतलब होता है कि आप अमर हैं, आप कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। दीर्घायु का मतलब होता है कि उस समय के हिसाब से जो आम साइज होता था लाइफ का, अब हमारा और कम है, उस समय और ज़्यादा होता था, सब ऐसी मान्यताएं हैं। तो दीर्घायु मतलब उससे भी लंबा। तो आप देखेंगे कि जब जटायु की बात होती है, जब जामवंत की बात होती है, तो आपको पता चलता है कि वो दो दो युग जी गए थे। तो इसलिए लोग कन्फ्यूज होते हैं थोड़ा सा कि नहीं नहीं सात नहीं हैं, आठ हैं, और आठवां कोई बोलता है मार्कंडे है, कोई बोलता है काकभूषणी है, कोई बोलते हैं जटायु तो कम बोलते हैं, जामवंत बोलते हैं। ये सबको दीर्घायु का वरदान था। जो सात चिरंजीवी हैं उनका नाम है हनुमान जी, परशुराम, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखी है, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य, कृपा और कृपी दोनों भाई बहन थे, द्रोणाचार्य से शादी हुई थी कृपी की, कृपी के भाई थे कृपाचार्य, राजा बलि और विभीषण। तो चिरंजीवी साथ ही हैं। ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बोल दे कि मैं आठवां चिरंजीवी हूँ। बहुत सारे लोग जो है बाबा, मैं ऐसे नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं हमेशा, मैंने कहा ना क्या होता है, लोग पूरी आपने जो बात बोली उसके बाद आपकी वीडियोज बहुत वायरल हुई। बहुत सारे लोग मुझसे खुद ही ये सवाल पूछने लगे कि क्या आठवां चिरंजीवी, ऐसे लोग पूछते हैं जहां हम धार्मिक कंटेंट डालते हैं धर्मा लाइफ पर, तो यहाँ ये सवाल आता है। तो लोगों में लोग मिसगाइड ना हो, लोगों के पास सही नॉलेज होनी चाहिए, और खास तौर पे वो लोग जो हर कोई आजकल सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो ये आठवां चिरंजीवी का कॉन्सेप्ट अभी यहाँ नहीं है, सात ही चिरंजीवी हैं। ये जिस आठवें चिरंजीवी ओम शास्त्री और अघोरी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक काल्पनिक किरदार है। अब अक्षत गुप्ता, तुमको ये करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि चारों युगों को जोड़ने वाला एक ही शख्स है और वो है विष्णु। कि सतयुग में उनके चार अवतार थे, सेकंड युग आता है त्रेता युग, उसमें तीन अवतार थे, इसीलिए वो त्रेता कहलाता है। तीसरा युग कहलाता है द्वापर। कईयों को लगता है कि द्वा मतलब टू और त्रे मतलब थ्री, तो सतयुग के बाद द्वापर आता होगा फिर त्रेता आता होगा, ऐसा नहीं है। सेकंड है त्रेता, थर्ड है द्वापर, क्योंकि द्वापर में उनके दो अवतार आए थे और अब कलयुग है। तो ये चारों युगों को जोड़ने वाले विष्णु जी के दशावतार तो हैं, लेकिन ये जो सात चिरंजीवी हैं जिनके आसपास मेरी कहानी घूम रही है, इन सातों का डायरेक्ट कनेक्शन सबका एक दूसरे के साथ नहीं है। जैसे अश्वत्थामा और कृपाचार्य जुड़े हुए हैं, लेकिन अश्वत्थामा और कृपाचार्य से दूर दूर तक परशुराम नहीं जुड़े हुए। राजा बलि जिनके लिए वामन अवतार लिया था विष्णु जी ने, वो किसी और से नहीं जुड़े हुए। अब आपके पास ये इतने प्यारे सात मोती हैं, आपको एक धागा तो चाहिए ना पूरी मोतियों को एक माला में पिरोने के लिए। तो इसलिए ओम शास्त्री का किरदार गढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे एक ऐसा किरदार चाहिए था जो बोले कि मैं चारों युग जी चुका हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ सातों चिरंजीवियों को। वो धागा है जो दशावतार को, चारों युगों को और सातों चिरंजीवी को एक कहानी में पिरो के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और बहुत अच्छी तरीके से आपने पिरोया भी है। आगे बढ़ते हैं। ये जो सात चिरंजीवी की बात की, हर युग में कुछ चिरंजीवी हुए, सबसे ज्यादा सातों चिरंजीवी में आपके हिसाब से, क्योंकि आपने पढ़ी है, रिसर्च की है, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी और आप शायद सबसे सही इंसान है जो इसका जवाब दे पाए कि सातों में, सातों चिरंजीवी में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। इस पे तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता। जब जहाँ हनुमान जी की बात आए, उनके आगे तो कोई और है ही नहीं। परशुराम भी बहुत शक्तिशाली हैं, अश्वत्थामा श्रापित है, लेकिन अश्वत्थामा के श्राप के पहले आप उनका जीवन काल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना रावण के लिए कि रावण ने कभी कोई गलती ही नहीं की थी, बस उसने एक गलती कर दी, वो तो ज्ञानी था। कहीं ये नहीं लिखा है कि एक ज्ञानी धूर्त नहीं हो सकता। धूर्त होना और ज्ञानी होना दो अलग अलग बात। क्योंकि आप ज्ञानी थे इसलिए आप धूर्त नहीं होंगे, या आप ब्राह्मण थे इसलिए आप धूर्त नहीं होंगे, ऐसा नहीं। तो लेकिन अश्वत्थामा के पूरे जीवन काल में आपको, अगर आप उसको एज ए ह्यूमन बीइंग देखेंगे, वो अच्छा पुत्र था, वो अच्छा पति था, वो बहुत अच्छा मित्र था, और उसके दिमाग में ये बात थी कि चोर के घर चोरी करना चोरी नहीं, हेरा फेरी कहलाती है। कि भाई मेरे पिता को आप लोगों ने धोखे से मारा, तो आपने युद्ध नियमों को पहले तोड़ा, तो जब आप युद्ध नियम को मान ही नहीं रहे हो तो मैं आपके साथ युद्ध नियम के दायरे में रह के क्यों लड़ूं। तो वो रात को अश्वत्थामा गया था इन पांडवों को मारने, पर उसने जिस शिविर में अपने तीर कमान से लोगों को मारा और बाद में उस शिविर को जला दिया, वो बदकिस्मती से पांडवों के बच्चे थे पांच, जिसके कारण फिर और भी चीज़ें हैं, उसके डिटेल में नहीं जाते। पर हाँ, आपका जो सवाल है कि हनुमान जी से ज़्यादा, आप ये सोचिए ना कि अभी रामलला का
का सब तरफ बात चल रही है, भगवान करे जीवन भर चलती रहे। आप और हम जब विपदा में आते हैं, परेशानी में आते हैं, तो हम राम को याद करते हैं। राम जब विपदा में आते हैं तो हनुमान को याद करते हैं। तो उनसे शक्तिशाली और कौन ही होगा, और उतना निस्वार्थ प्रेमी भी कोई नहीं हो सकता कि उनको अगर सिया राम कह दो तो वो खुश हो जाते हैं। वो खुश हो जाते। सात चिरंजीवियों की बात हो गई, शक्तिशाली कौन है ये भी बात हो गई। आएंगे अभी युगों पर, भगवान पर। भगवान की बात करते हैं। भगवान के बारे में आजकल की न्यू जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, जेन जी, जी कहते हैं एलियन है भगवान। भगवान कौन है, एलियन थे? मैं आपसे जानना चाहूंगी। अगर थे भी तो मेरे को उसमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, आप इस चीज़ को इमेजिन कीजिएगा कि अब हम लोग अर्थ के बाहर जाना सीख गए, है ना, मून पे पहुंच गए, मार्स पे पहुंच गए, और वो हबल टेलीस्कोप जो है, हबल ही है ना वो, जो पूरी दुनिया में, मतलब ब्रह्मांड में घूम रहा है, और हर तीसरे चौथे दिन एक नई तस्वीर भेज देता नासा हम लोग को कि देखो एक नया प्लैनेट ढूंढा है, उसमें ऐसा है। तो हम तो उन्नति कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों को शुरू से दिखाया गया है कि आप खूब तपस्या करते हैं और अचानक से भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वो टेलीपोर्टेशन उस समय होता होगा। और आज की डेट में अगर हम जो ह्यूमंस हैं, आप जस्ट इमेजिन, और मेरे को ये इमेजिन करके बड़ा मज़ा आता है कि आप सोचिए कि हम किसी दिन एक US से, एक इंडिया से, एक चाइना से, और भी कहीं, एक रशिया से, ये बड़े देश हैं इसलिए, एडवांस देश हैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक ही प्लैनेट के अलग अलग एरियाज में ये लैंड कर जाएं, जहाँ पे एक बुद्धिजीवी अलग सा दिखने वाला प्राणी है जिसको चीज़ें समझ में आ रही, तो उसको क्या समझ में आएगा? जो यहाँ से गया है, भारत से, वो बोलेगा कि मैं पृथ्वी से आया, क्योंकि वो हिंदी में बोलेगा। वहाँ पे जो दूसरे एरिया में एक और स्पेसशिप उतरा होगा जो US से आया, वो बोलेगा मैं प्लैनेट अर्थ से आया, है ना। चाइना वाला मैंड्रीन लैंग्वेज में कुछ बोलाएगा उनको, और ये सब अपनी अपनी पद्धतियाँ सिखाएंगे कि हम ऐसे घंटी बजा के ऐसे करते हैं। वो क्रिश्चियन होगा US वाला तो बोलेगा हम ऐसे करते हैं, ठीक है। और स्पेसशिप का, जो बाहर जाने वाले स्पेसशिप, प्लेन तो ऐसा होता है, स्पेसशिप ऐसा होता है यूजुअली, तो वो ऐसा लैंड किया होगा और फिर ऐसे ही उड़ के हम वापस आ जाएंगे। अब पड़ोस तो है नहीं कि बार बार जाएंगे, फिर हम कई सौ साल नहीं जाएंगे। वहाँ की जो जनरेशन है, वहाँ की जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपने आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि जो उनके लिए जो भगवान शब्द है वो हो जाएगा इंसान। तो वो ऐसे बोलेंगे इंसान आसमान में रहता है ना, और इंसान कहाँ रहता है? तो उनके लिए इंसान कौन हो गया? भगवान हो गया, कि वो ऊपर से आया था, उसकी चमड़ी का रंग ना ये होता था, जैसे हमारे दिमाग में है कि विष्णु और शिव नीले रंग के, ठीक है, तो उनकी चमड़ी का रंग ये होता था, और वो ऐसे ऊपर से आते थे, फिर वो ऐसे वापस ऊपर चले जाते थे, इसीलिए हम हमेशा ऐसे ऊपर इंसान को याद करके ऊपर देखते। उसके बाद उनको क्या बताया जाएगा कि एक एरिया में बताया जाएगा कि भगवान पृथ्वी पर रहते, दूसरी जगह बोला जाएगा कि भगवान नहीं नहीं मैं पृथ्वी पर नहीं रहते, भगवान प्लैनेट अर्थ पर रहते, है ना। अब उनको मालूम ही नहीं कि पृथ्वी और प्लैनेट अर्थ एक ही शब्द के अलग अलग हुआ हैं। मुझे लगता है कि हम लोग ये रिलीजन पे इसी तरीके की बेवकूफ़ी में ला रहे हैं कि वो तीन चार स्पेसशिप्स इधर उधर उतरे होंगे, वो सब अलग अलग लैंग्वेज के होंगे, लेकिन वो पूरा होगा एक ही स्पीशीज़। तो ऐसा लगता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट है। और जब मैंने भी पहली बार सुना था कि भगवान नहीं है, एलियन है, तो सुन के मज़ा तो आया था, लेकिन है तो भी तो हमसे तो ऊपर ही है ना, हमसे तो आगे ही है, हमसे तो एडवांस है, चार चीज़ दे के सिखा के तो गए, प्रॉब्लम क्या है, पूछना चाहिए। भगवान की बात हो गई। भगवान कहते हैं हर युग में भगवान ने अवतार लिए, एक युग में बहुत सारे अवतार लिए हैं। कलयुग, इसकी बात करते हैं। कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है, आपको क्या लगता है सिर्फ कल्कि अवतार से ही भगवान सारे चीज़ों को ख़त्म कर देंगे, और भी अवतार होंगे कल्कि के बाद भी? नहीं तो ये जो सात चिरंजीवियों की बात हम कर रहे थे नया जी, तो उन सब का फाइनल एजेंडा जो है, उनका जो मुख्य उद्देश्य, मतलब होता है ना कि ठीक है भाई आप सात हैं और आप चिरंजीवी हैं, आप अनंत काल तक रहेंगे, आप कलयुग के अंत तक रहेंगे, प्रलय आते तक रहेंगे, मगर क्यों, पर्पस क्या है आपका नहीं मरने का या इमॉर्टल होने का? तो सब जगह लिखा हुआ है कि इन सब का पर्पस यही कि ये कल्कि का साथ देने के लिए रुके हुए, क्योंकि जो काली होगा
वो अपनी काली माँ वाला नहीं है, जो कलयुग के जो मेन विलेन है, हर युग का एक मेन विलेन होता है, रावण रामायण के मेन विलेन थे और वो त्रेता युग की कहानी है। तो जो कलयुग का मेन विलेन है उसका नाम पुराणों में लिखा है काली, और बोला गया है कि काली इतना शक्तिशाली होगा कि उसको मारने के लिए विष्णु अवतार कल्कि को भी इन सात चिरंजीवियों की मदद लेनी पड़ेगी, उनकी कोई ट्रेनिंग करा रहा है, कोई साथ में लड़ रहा है, कोई स्ट्रैटेजिस्ट बनेगा, तो ये होने वाला है जैसा कि हमारी मान्यताएं हैं, हमारी मतलब हमारे पुराणों की। तो हाँ, मतलब आने वाला विलेन, अगर आपको लगता है कि हॉलोकॉस्ट जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, हिटलर सबसे बड़ा विलेन था, तो वी हैव मोर टू वॉच, यानी कि और भी चीज़ें आ सकती हैं। बिल्कुल आएगी, और वो इतना शक्तिशाली होगा कि जिसके लिए कब से तैयारी चल रही है, सत्ययुग से तैयारी चल रही है कि तुम भी रुक जाओ भाई, अच्छा तुम हनुमान जी रुकिए आप, तो हनुमान जी तो राम भक्त है ना, वो बोल रहे थे कि या तो मेरे को आप अपने साथ लेके चलिए ऊपर, और या आप मेरे साथ यहीं रुकिए। तो हनुमान जी को राम जी बुद्ध बना के क्यों गए यहाँ से, क्यों नहीं ले गए? यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी बहुत सारी चीज़ें और भी, शायद हर दिन रिसर्च हो रहा है, हर दिन कुछ चीज़ें डिकोड की जा रही हैं, तो हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड चला है, लोग कहते हैं यहाँ पर कल्कि अवतार होने वाला, जो पुराणों के हिसाब से ही बताया जा रहा है कि यूपी में इस जगह पर कल्कि अवतार लेंगे, तो ऐसे शायद आने वाले टाइम पर और भी चीज़ें लोगों को पता चले। विलेन की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर ली हमने, और कहते हैं ना एक मूवी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके विलेन के बारे में बात ना करो, तो राक्षसों की बात करते हैं। आपके हिसाब से सबसे सारे युगों को मिला के शक्तिशाली राक्षस कौन था, सबसे ज्यादा, जिस जो बहुत ज्यादा पावरफुल था और उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी? मुझे लगता है रावण ही था सबसे ज्यादा शक्तिशाली। देखिए, नाम भी सबसे ज्यादा उसी का चलता है जो किसी भी, चाहे पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, उसके लायक हो, है ना। तो आप रावण जो था, आप देखिए ना, रावण का नाम जो है भगवन में, भगवन का वन है और राक्षस का रा है, वो मिला के बनता है रावण। तो वो असल में भी वैसे ही बात है कि वो ब्रह्मा के मानस पुत्रों से आए हुए थे, जो उस समय के हिसाब से बोला जाता था कि जाति से वो ब्राह्मण थे, है ना, दिमाग से बहुत तेज थे, शक्ति से राक्षस थे। तो वो सब था, एक इकलौता अपने आप में, और कहीं सुना था, कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, कि रावण को मारना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि वो सोने की सीढ़ी बना रहा था स्वर्ग के लिए, स्वर्ग की सीढ़ियाँ बना रहा था कि भाई ये भेदभाव क्यों है, हर कोई जो सीढ़ी चढ़ेगा वहाँ पहुँच जाएगा, तो वो नहीं हो सकता था। तो उतना शक्तिशाली होना मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है कोई, और हमारे भी जैसे राजा बलि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वो अच्छे साइड में थे, तो उन्होंने तीनों लोग जीत लिया था, वो रावण ने भी जीत लिया था एक बार, उनका बेटा ही इतना ताकतवर था कि उसको वो इंद्रप्रस्थ जीत गया था। राजा बलि जो थे वो बहुत अच्छे थे, वो उनमें भी उतनी शक्ति थी, लेकिन उनमें कुरूपता नहीं थी कि जब वामन अवतार पर विष्णु जी आए और बोले तीन पग दे दो, उसमें सब कुछ नाप दिया, बोले अब तीसरा पग कहाँ रखो, बोले मेरे सर पर, मेरे ही शरीर बचा है, ले लीजिए, तो उनको पाताल में डाला गया। लेकिन जब आप राक्षस सवाल, मतलब सवाल में आपके राक्षस आ रहे हैं ना, तो आप जानना चाहिए कि नेगेटिव फोर्सेस में सबसे स्ट्रांग कौन, मुझे तो रावण ही दिखता है। रावण आपके हिसाब से। बात हो गई भगवान की, राक्षस की, अस्त्रों की बात करते हैं थोड़ा सा। आप ये बताइए, जैसे बहुत सारे अस्त्र हुए, हर युग में अस्त्र हाईटेक होते गए, कलयुग में कैसे अस्त्र हो सकते हैं? AK-47 टाइप्स? नहीं, ऑलरेडी अस्त्र हैं हमारे, मिसाइलों का नाम ब्रह्मोस रखा हुआ है ना, और पड़ोसी मुल्क है एक, मैं उसको शिशुपाल कहता हूँ। अच्छा। क्योंकि शिशुपाल को ये वरदान कृष्ण ने दिया था कि तुम 100 गलती तक कर लेना, तब तक तुमको मैं बख्श दूंगा, नज़रअंदाज करूँगा, 100वीं गलती करोगे ना छोटू, तो सुदर्शन चक्र तुम्हारा गला काट देगा। तो शिशुपाल आए, वो 97 मतलब काफ़ी गलतियाँ कर चुका था शिशुपाल, वो आया दरबार में, वहाँ कृष्ण जी भी थे, तो सबके बीच में बोला कि इस ग्वाले को इतना मान क्यों देते हो, ये इसके लायक नहीं है। वो कृष्ण मुस्कुराते रहे, फिर बोले शिशुपाल 97 हो गया है, सोच लिया, फिर नहीं माना, और बकबक किया, सुदर्शन चक्र आया, गला कट गया, खेल ख़त्म हो गया।
तो मैं पाकिस्तान को शिशुपाल बोलता हूँ, वो भी 90s में चल रहा है, दो चार और गलतियाँ, चक्र ना चल जाए, चक्र ना चल जाए। लगता है मोदी जी ही चक्र चला सकते देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग। मोदी जी बहुत सारे चक्कर ऑलरेडी चला चुके हैं, और तो हम हैं कृष्ण। तो हाँ, तो हमारे पास भाई आज की डेट में पूरी दुनिया न्यूक्लियर वेपन से क्यों डर रही है? अमेरिका और सारे देश एक दूसरे को, जब भी कुछ होता है तो सीज फायर करने चार देश बीच में क्यों आ जाते हैं कि सुनो तुम रुक जाओ, सुनो मेरी बात सुनो, अरे अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, तू रुक जा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास हैं उतने पावरफुल वेपन जो पूरा पृथ्वी नष्ट कर सकते हैं, और यही हमारे पुराणों में लिखा हुआ था कि भाई ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति है कि वो पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी नष्ट कर सकता है। आप अपनी किताब में जो आप चीज़ें लिखते हैं, जिस तरीके की बातें आप करते हैं, एक कैरेक्टर है जो मुझे, जिनके बारे में जानना है, बहुत सारे लोगों को जानना अच्छा लगेगा, इंद्र के बारे में। इंद्र के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंद्र बहुत छल करते थे, उनके अंदर जलन भी थी, ईर्ष्या भी थी, इंद्र को फिर भगवान भी कहा जाता है। तो एक भगवान के अंदर इतनी सारी जो है हम कह सकते खामियाँ, पाप ही तो है, जो जलन भी है, जलसी भी थी उनको, उनको अपनी गद्दी जाने का डर था, बहुत सारी चीज़ें थी उनके अंदर। तो आपके हिसाब से इंद्र भगवान जो है, इंद्र भगवान जिनको हम कह रहे हैं, वो क्या था, उनका कैरेक्टर क्या था, वो किस तरीके के मतलब भगवान थे, वो मैं जानना चाहती। देखिए, इंद्र ना एक एक चेहरे और एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र जो नाम है वो उस पद का नाम है जो देवों का राजा कहलाता है, और जो देव हैं, सुर और असुर दोनों एक ही परिवार से निकले हुए लोग हैं, ठीक है, राक्षस और ये सब एक ही जगह से निकले हुए हैं, है ना। तो ब्लड लाइन और डीएनए शुरू से सेम है, सुरों का भी और असुरों का भी। जिनको हम देव बोलते हैं वो देव भगवानों की श्रेणी में नहीं आते, भगवानों की श्रेणी में त्रिमूर्ति आते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन काम देवता की भी पूजा होती है, काम देवता और देवी रति की। हाँ, तो काम देव की पूजा आप लोग करें, लेकिन सुरक्षित रह के करें, प्लीज यूज सेफ्टी, लव मेकिंग इज गुड बट विद ऑल प्रोटेक्शंस। हाँ, तो आपको यहाँ से हिंट्स भी मिल रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे इंद्र के बारे में। जी, तो ये जो देव है उसमें सभी, अभी आपने कामदेव बोला, कामदेव हम पूजा सबकी करते हैं, हम तो चींटी की भी पूजा करते हैं, हाथी की भी पूजा करते हैं, गाय की भी पूजा करते हैं, लेकिन हम गाय की पूजा करते हैं तो हम गाय को माँ बोलते हैं, भगवानों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, है ना। तो ये पूरा एक एक समुदाय है देवों का, जिसके राजा हैं इंद्र, और इंद्र में वो सब खोट है या वो सारे लक्षण हैं जो आपके और मुझ में हो सकते हैं। उनको उनकी गद्दी से बड़ा मोह है, तो बोला जाता है कि भाई गद्दी से मोह नहीं होना चाहिए, तो देव हैं तो आपको क्यों मोह है। लेकिन ये इन, इन ये सब देव की, देवों की श्रेणी में इसलिए आ गए हैं क्योंकि इन लोगों ने अमृत चख लिया है। वो सागर मंथन वाली कहानी सभी को पता होगी, इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। भगवान क्या होता है, देव एक अलग चीज़ है, भगवान वो होते हैं। हमको कई लोग बोलते हैं ना कि बड़े इलॉजिकल लोग हो तुम, कि तुम पेड़ की भी पूजा कर रहे हो तुम। अभी मैं बोला हम हाथी को भी पूजते हैं क्योंकि हम उस पर गणेश जी देख लेते हैं। हमने हर जानवर को कोई ना कोई भगवान से एसोसिएट कर रखा। मोर को मत मारो, कार्तिक नाराज हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जानवर या पक्षी जो है हमारे देवताओं के, भगवान की सवारी रही है। तो हाँ, लेकिन क्यों है? इसलिए क्योंकि हमको उस समय भी इस बात का की समझ थी कि ये पूरा जो जियोलॉजिकल सिस्टम है, पूरा जो इको सिस्टम है, उसके लिए ये सब का होना ज़रूरी है। नहीं तो गाय को मारना बहुत आसान है, गाय तेज़ भाग नहीं सकती, गाय अपने आप को बचा नहीं सकती। हाथी को मारना इतना आसान है, हाथी का शरीर इतना बड़ा है कि अगर हाथी को खाने लग जाए आदमी तो एक एक समुदाय कई कई हफ्तों खाए, है ना। हाथी इतना बड़ा विशाल का जानवर है, वो छुप नहीं सकता बेचारा, वो दिख जाएगा आपको, वो तेज़ भाग नहीं सकता, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन आज भी हाथी क्यों बचा हुआ? तो जो जितना वल्नरेबल था ना, उसको हमने उतने बड़े भगवान से जोड़ रखा है, उसको सुरक्षित रखने के लिए। खैर, तो इंद्र तो ये हमको बोला जाता है हम बड़े इलॉजिकल लोग हैं। हम इतने लॉजिकल लोग हैं नेहा जी कि हमने जो भगवान शब्द बनाया ना, उसका भी फुल फॉर्म है। भगवान ही क्यों बोलते हैं हम, लगवान दगवान क्यों नहीं है? भगवान इसलिए है क्योंकि भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि, और न से नीर। तो जो इन पांचों तत्वों को अपने वश में करने की शक्ति रखता है ना, वो बनता है भगवान। फाइव एलिमेंट्स। और भगवान ये दो तीन ही है,
इसीलिए ये जब, और आप सोचिए ना, अगर देवों को आप भगवान बोलेंगे तो फिर तो असुरों से डर के देवों को कभी त्रिमूर्ति के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बार बार क्यों वो भागते हैं कि काली माँ बचा लीजिए, दुर्गा माँ बचा लीजिए, हे शिव हे विष्णु। तो ये दिस इज़ अ क्लैन, ये भाइयों का झगड़ा चल रहा है कि एक होते ना दादाजी ने दो शादी कर ली थी, है ना, तो जो दो दादियां थी उनके एक बच्चों का एक पूरा समुदाय निकल गया, दूसरी दादी थी उनके बच्चों का एक समुदाय निकल गया, अब प्रॉपर्टी पे झगड़ा हो रहा है। तो ये दादाजी ने वो दादी जी के साथ 6 बच्चे कर लिए थे, इनके साथ 5 ही किए थे, तो अब वो 5 के इधर 50 हुए, इधर 6 के 60 हो गए, तो इनका पावर ज़्यादा है। यही पूरा चेन सिस्टम है, भगवान हमारे 3 ही। मुझे लगता है कि आज व्यूअर्स को एक अलग जानकारी मिली है, एक बहुत अनोखी चीज़ जो मुझे भी शायद आज पहली बार, कि देव और भगवान में डिफरेंस क्या है। और आपने भगवान की जो डेफिनेशन दी, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ उतना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। बात कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप बहुत सारी भगवान की बातें करते हैं, आप इतने धार्मिक हैं कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज़ किए? धर्म की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है। द डेफिनेशन ऑफ हाउ आई प्रे टू माई भगवान, आई विल नॉट चूज टू से गॉड, वो अलग अलग होता है। मैं, आपने वो कहानी सुनी है कि कार्तिक जी और गणेश जी आपस में झगड़ रहे थे कि हम जो है सबसे ज्यादा उनको कौन प्यार करता है? नहीं, कि आई एम मोर पावरफुल, आई एम मोर स्ट्रांग, आई एम क्विकेस्ट। माता पार्वती की परिक्रमा करते, 3 परिक्रमा गणेश जी ने कर ली। तो मैं जितने भी समय माता पिता, अपने माता पिता जो कि इंदौर में रहते हैं उनके आसपास रह पाता हूँ मैं रोज सवेरे, और ये हमारे घर का चलन रहा नहीं है पुराना। कई जगह होता है ना कि बेटा सुबह उठे हो तो घर के सब बड़े का पाँव छूना ही छूना, मेरे घर में वो कभी रहा नहीं। मुझे अपने मन से ऐसा लगा तो मैं अपने माता पिता का पाँव रोज़ छूता हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत पूजा पाठ की तरफ हूँ, लेकिन मैं अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपसे जब भी बात करता हूँ तो मैं आपको कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने सनातन धर्म की बातों को रखते हुए उसका साइंटिफिक लॉजिक भी दूँ, कि मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलूँगा कि पीपल के पेड़ में धागा बांध के पूजा करो, मैं बताऊँगा कि पीपल के पेड़ में धागा बांध के पूजा आप क्यों करते हैं। तो मैं पहले माता पिता का रेगुलरली पाँव छूता था, मेरी माँ बोलती थी कि भगवान जी के सामने हाथ जोड़ लो, तो बोला अरे अभी तो पाँव पड़ा आपके, अरे पर भगवान जी के, वो उनकी पूजा आप कर लीजिए, आपकी सुनेंगे तो मैं ठीक रहूँ। तो हम पंडित जी के पास भी इसीलिए जाते हैं ना, है ना, कि मेरी बात पहुंचा दे, मेरे माँ बाप मेरी बात पहुंचा देते हैं। कहीं आरती चलती रहती है तो गाड़ी से उतर के, गाड़ी रोक के मैं आराधना अपने तरीके से कर लेता हूँ, पर मैं 5 टाइम का नमाजी नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक दर पे जाने से ही भगवान खुश होंगे। और हम बोलते हैं ना मेरा घर है और मेरे घर के अंदर मैंने एक मंदिर बना रखा है, नहीं, वो आपने जिसका मंदिर बनाया है वो उसका घर है, आप उसके घर में रह रहे हैं। तो जब आप ये सोचेंगे कि वो मैंने राम लल्ला का या कृष्ण जी का या शिव जी की प्रतिमा अपने घर में बैठाई है तो सब कुछ तो उन्हीं का है। तो जब आपको ये लगेगा कि ये घर उनका है, मैं उनके घर में रह रहा हूँ, तो फिर आप उस घर का वातावरण और वाइब अपने आप ठीक रखेंगे। जब आपको लगता है ना कि घर मेरा है, मैंने उनको जगह दी हुई है, तो वहाँ से थॉट प्रोसेस गड़बड़ है। कहते हैं बात बताने, हर कोई कुछ ना कुछ बताता है, लेकिन अगर बात बताने का तरीका अच्छा हो तो इंसान के दिमाग में बैठ जाता है। आपके बात बताने का तरीका ही बहुत बेहतरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पोएट भी हैं, कवि भी हैं आप, कुछ 2 लाइन अगर आप गुनगुना कर सुना दें या गा कर सुना दें। तो मैं नहीं, तो कुछ आप अपने अंदाज में जी। तो क्या सुना है, लिखता रहता हूँ, याद कम रख पाता हूँ, पर एक ऐसी चीज़ है क्योंकि हम हिंदुत्व के आसपास काफ़ी बातें कर रहे हैं। एक और आजकल बात चल रही है कि वेद और पुराण हिंदुओं के हैं। उन सारे ऐसे लोगों को जिनको ऐसा लगता है कि वेद और पुराण हिंदुओं की किताबें हैं, उन सबको हाथ जोड़ के मेरा एक रिक्वेस्ट है कि भाई वेद और पुराण तब लिखे गए थे जब और कोई धर्म ही नहीं था। तो हिंदू का है कि क्रिश्चियन का है ये तो बात हो ही नहीं सकती, वो मानव जाति के उद्धार के लिए और उनकी संरक्षा, उनकी बेहतरी के लिए लिखा गया था। तो कम से कम उसको आप अपने ग्रंथों के उसमें मत वो कीजिए। और हमसे एक और सवाल पूछा जाता है, मैं हॉस्टल में बहुत साल पढ़ा हूँ, वहाँ पर ये सच में हुआ था कि कुछ डिबेट हो जाता है,
कभी साइंस और गॉड्स के बीच का डिबेट, कभी धर्म के बीच का, इन अ लाइटर नोट। तो किसी ने एक बार कहा था कि हैं कम से कम हमको मालूम तो है कि हमारी ये किताब है, तुम लोग इतने कन्फ्यूज लोग हो, वो कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई भगवद गीता पढ़ रहा है, कोई पता नहीं कौन सा वेद पढ़ रहा है, कोई गरुण पुराण पढ़ रहा है, तुम लोग इतने। ऐसा अगर आपको कोई बोले तो आप उनको बोले कि भाई आपके पास एक एक किताब है, हमारे पास पूरी लाइब्रेरी है, हमारे पास साइंस भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, गुरुत्वाकर्षण भी है, हमारे वेदों और पुराणों में लिखा हुआ है, पूरा मेडिकल साइंस लिखा हुआ है। तो ये कविता जो ये बात आपने पूछा कुछ और था, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको सुनाने वाला हूँ वो इसी के आसपास है कि हम सबको अपनाने वाले लोग हैं, लेकिन आप ये आप डिसाइड करेंगे कि आप मुझसे ऐसे मिलना चाहते हैं, मैं दो हाथ जोड़ के आपसे मिलूँगा या एक हाथ हटा के मिलूँगा, ये निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। आप ऐसे मिलेंगे तो मैं ऐसे मिलूँगा, आप ऐसे मिलेंगे तो मैं ऐसे मिलूँगा, ऐसा है। तो उस पर चंद लाइनें हैं जो कई लोगों को बहुत पसंद आई है और वो मेरे लिए हिंदू होने की परिभाषा भी है कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, चिता की अग्नि गंगा का पानी कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। वाह मुझे लगता है ये आपका जो आपकी जो कविता ये पहली बार आपने शायद सुनाई है कहीं पर, पहले भी सुना चुके हो, कुछ एक्सक्लूसिव हमारे लिए नहीं है, मतलब आप ऐसी कोई चीज़ बताइए जो सिर्फ हमारे लिए नहीं हो, क्योंकि मैंने आपके जितने इंटरव्यूज देखे आप हर जगह कहते हो ये न्यू है, ये आपके लिए, तो हमारे लिए क्या न्यू है मैं ये जानना चाहूँगी। कुछ ऐसे दो लाइंस या कुछ भी ऐसी बात, कुछ आप हमारे लिए न्यू बताइए। नहीं ऐसे तो बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, पर कविताएँ मेरी प्राथमिकता नहीं है, इसलिए मुझे मेरी बहुत सारी कविताएँ याद नहीं है, कम है। चलिए हम बड़े बड़ों की तो बहुत बात कर लिए, थोड़े लड़कपन की बात कर लेते हैं, उसमें मैं आपको चार लाइनें सुना देता हूँ। तो वैलेंटाइंस डे में अभी हम प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे थे, तो उसके इर्द गिर्द कुछ चंद लाइनें अपने अनुभव से बहुत पहले निकली थी। क्या होता है ना कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन अभी इजहार मोहब्बत हुई नहीं, मैं मतलब थोड़ा उसको शायराना अंदाज में कह रहा हूँ। तो स्कूल कॉलेज में होता है ना कि दो लोगों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पूरे स्कूल को भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आई लव यू और आई लव यू टू नहीं हुआ है। और फिर कुछ दोस्तों के सौजन्य से उन दो लोगों को अकेले कहीं समय बिताने का थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, किसी दोस्त के बड़े भाई की शादी में नाइट स्टे टाइप्स, यू नो क्या, अरे रात भर मस्ती करेंगे, तो ज़बरदस्ती डाल के कि तुम लोग थोड़ा टाइम बिता लो। अब हम वहाँ फंसे हुए हैं कि हमको अपने दायरे पता नहीं, कि इस बात का डर भी है कि यार कहीं जितनी दोस्ती हुई है किसी ऐसे नापाक इरादे और हरकत से वो टूट ना जाए, तो हम बड़े पशुपेश में फंसे हुए हैं। तो उस पर चंद लाइनें हैं कि क्योंकि अभी इजहार मोहब्बत नहीं हुआ इसलिए कि ना इश्क था ना रंजिश है, कि वे फ्रेंड्स हम दुश्मन तो नहीं हैं लेकिन अभी तक आई लव यू और आई लव यू टू नहीं हुआ है, तो ना इश्क था ना रंजिशें, ना छूट थी ना बंदिशें, कि आप सब कुछ कर लें इसका छूट भी नहीं है और आप कुछ ना करें इसकी बंदिश भी नहीं, तो कहीं बीच में थोड़ा बहुत। तो ना इश्क था ना रंजिशें, ना छूट थी ना बंदिशें, नहीं भी था ना और हाँ भी नहीं था, कश्मकश बस वहीं कहीं था, ना ना समझ ना बेसबर थी, उस रात को सब खबर थी। अरे वाह क्या बात है, मतलब कहते हैं ना आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं जो भी आप धीरे धीरे बता रहे हो। ये वैलेंटाइन स्पेशल हो गया, और कहते हैं एक अच्छा शायर या एक अच्छा राइटर बनने के लिए, या तो मैंने ऐसा सुना है कि या तो किसी की आप मोहब्बत में होते हो, प्यार में होते हो तब आप शायरी करते हो, या दिल टूट जाए तब आप शायरी करते हो, या किताब लिखते हो, या आप इस तरीके की चीज़ों में जाते हो राइटिंग में,
आपके साथ क्या था? तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि द बेस्ट पीस ऑफ आर्ट कम्स फ्रॉम द ब्रोकन पीसेस ऑफ आर्ट। दिल जितने ज़्यादा टुकड़ों में बिखरता है, आपका आर्ट उतना निखरता है। तो हाँ, मेरी अपनी तकलीफ़ें रही हैं, कुछ लोग साथ छोड़ के गए हैं जिनसे जन्म जन्मांतर निभाने की उम्मीद थी। बेटे को दूर किया गया है, उस तकलीफ़ से मैं अभी भी रोज़ रूबरू होता हूँ। अभी आपके साथ बैठा हूँ तो मालूम है कि कैमरा चालू है, मुस्कुराते रहना है, जो पूछा जाए उसका गहनता से जवाब देना है। कोशिश ये भी रहती है कि वन टू वन जब लोग मुझसे मिले तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान छोड़ दूँ, कुछ हंसा दूँ, पर जब रात को अकेले होता हूँ तो रोता भी हूँ और कई बार बहुत सारा रोता हूँ। बेटे को याद करता हूँ, असहाय महसूस करता हूँ, हेल्पलेसनेस में सो जाता हूँ, अपने आप को फिर सवेरे समेटता हूँ और फिर आपको हंसाता हूँ। कहते हैं दुआओं में बहुत ताकत है। जितने भी लोग आपके फैंस हैं या जितने भी लोग आपको प्यार करते हैं, उन सबकी दुआएं हैं। आप जो भी चीज़ जो अभी आपको परेशानी दे रही है, आने वाले टाइम पे वो सारी चीज़ें ज़रूर अच्छी हो जाएंगी। श्री राम आ चुके हैं, आपकी लाइफ में भी जो चीज़ मिसिंग है वो ज़रूर आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी वैलेंटाइंस की बात हो गई, एक चीज़ जो मैं आपसे इसलिए सवाल पूछूंगी, थोड़ा सा ये सेंसिटिव होगा आपके लिए क्योंकि ये क्वेश्चन आज की यूथ के लिए है। डिप्रेशन की लोग बात करते हैं, आप डिप्रेशन में रहे हैं, उससे निकलने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं, लेकिन आपने बेस्ट वे चुना मेरे हिसाब से। आप कैसे उन लोगों को जो डिप्रेशन में हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने उस टाइम को वो जो है सह सके, या फिर किस तरीके से उस टाइम से वो निकले, आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे? मेरा ऐसा मानना है नेहा जी कि डिप्रेशन से कोई भी अकेले नहीं निकल सकता। हमने फिल्मों में दलदल देखा है, तो जब आप दलदल में गिर जाते हैं तो आपको बाहरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप दलदल में फंस के जितना हाथ पैर हिलाएंगे आप उतनी जल्दी जल्दी अंदर जाएंगे, वो आपको रोक लेता है, आप कहीं पहुंच के रुक जाते हैं। अब आप जितना हाथ पैर मारेंगे ना, आप उतना सिंक होते जाएंगे अंदर, तब आपको किसी बाहरी मदद की ज़रूरत पड़ती है कि कोई आए, रस्सी फेंके, जड़ फेंके, टहनी फेंके और फिर आपको बाहर खींचे। अब आप जंगल में अगर दलदल में फंस गए हैं, हो सकता है कि पास से कोई गुजर रहा हो, लेकिन आप चीख ही नहीं रहे, आप बचाओ बचाओ चिल्ला ही नहीं रहे, तो वो तो 10 मीटर दूर से भी जाते जाते आपको हो सकता है ना उसकी नज़र आप पे ना पड़े, तो मदद मांगेंगे तो ही मिलेगी। तो अभी जैसे दिल्ली में बैठे हैं हम, हल्की हल्की ठंड अभी भी है, मुझे खराश हो रहा है। बचपन से हम लोगों ने, हर बच्चे ने अपनी माँ से और तबीयत बिगड़ने पे अपने फैमिली डॉक्टर से ये बात ज़रूर सुनी होगी कि बेटा जब खांसी हो, कफ आए, तो उसको निगलो मत, उसको थूको, नहीं तो वो बलगम हो जाएगा, जम जाएगा, तब और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। बोला गया, सबको बोला गया। डिप्रेशन ऐसे ही होता है नेहा जी कि आप जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से उस पर बात नहीं करेंगे, आप उनको रो रो के बताएंगे नहीं कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मुझे इस बात की तकलीफ़ है, तब तक वो अंदर जमता रहेगा, पाइल अप होता रहेगा और वो ठोस होता जाएगा। हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं ना नेहा जी, जो जिनके चेहरे पर ही दिखता है कि वो बड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति का है, भावें तनी हुई हैं, इरीटेटेड सा है, चल रहा है हर बात, मिलते हैं हर, हम सब लोग मिलते हैं, वो लोग हैं जिनके अंदर ना वो जम गया है कि अब उनको, उनके पास शब्द है ही नहीं, अब उनको लगता है कि जीवन ऐसे ही होता है। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो अपने आसपास वो बेसिन ढूंढिए जहां आप डिप्रेशन नामक इस कफ को बार बार थूक सकें। कफ एक बार में ख़त्म नहीं होता ना, हम थूक के आते हैं, बैठते हैं, फिर आता है, फिर जाते हैं, फिर थूकते हैं, फिर आता है। वो बेसिन ढूंढिए, वो आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, फोन अ फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। कोई नहीं है तो उसको लिखना शुरू कीजिए। बड़ी सस्ती डायरियाँ आती हैं, बड़े छोटे पन्ने आते हैं, नहीं जमा करना चाहते मत कीजिए, आप उसको किसी भी तरीके से निकालिए, आप पन्नों पर लिखिए, फिर पन्ना फाड़ दीजिए, कोई बात, लेकिन उसको अंदर मत रखिए। और अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं
तो विश्वास मानिए आपके आसपास बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, आपके अपने हैं वो, और हम ही उन लोगों को बोल देते हैं कि हाँ भाई हो गया, चार बार तो एक ही बात पे रो चुकी है तू, रो चुका है तू, अब जाने दे ना, वो कब जाने दे। आप कभी किसी को ये बोलते हैं कि और कितनी बार जाके कफ निकालेगा भाई, बस करना, जब तक आएगा निकालेगा ना वो। तो जब अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं तो किसी का बेसिन बन जाइए, उसको बहुत सारा थूकना है। और पता है जब डिप्रेशन में होते हैं ना नेहा जी, तो ऐसा नहीं होता है कि आप एक बात को एक बार बोल दें और वो आप उससे फारिग हो जाएं, बार बार रिपीट करते हैं उसी, आपको बार बार उस एक शख्स की याद आती है या आपके साथ जो हुआ है उस बात की याद आती है, आपको बार बार उन्हीं बातों को याद करके उन्हीं शब्दों को बोल के बार बार रोना होता है। तो जो रोता होता है ना उसको ये नहीं चाहिए होता है कि आप पास हैं और उसका आंसू पोंछ दें, वो भी नहीं चाहता है कि आप उसको गले लगा लें, वो भी नहीं चाहता है कि आप जिसके लिए रो रहे ना उसको फ़ोन करके बोले चलो चलो मिलवा दो, देखो कितने बुरे, नहीं वो कुछ नहीं चाहता। वो इंसान सिर्फ ये चाहता है कि मैं जितनी बार रो रहा हूँ ना तू बस बैठ के सुन ले, तू सिर्फ सुनती जा, तू सिर्फ सुनता जा, मैं ठीक हो जाऊँ। हम उतना नहीं कर पाते अपनों के, हम उनको समझाइश देने लग जाते कि हो गया ना अभी, चार बार तो हो गया और कितनी बार रोगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है ना कि पता नहीं क्यों हमको ऐसे सिखा दिया गया है। आप देखिए दुनिया का कोई शख्स आप देख लीजिए, बहुत रेयर लोग हैं, और उनमें आई एम प्राउडली टेलिंग यू दैट आई एम वन ऑफ दोज रेयर पीपल। हम हंसते हैं ना तो हम खिलखिला के चेहरा सामने वाले की नज़रों में देख के और दिखा के हंसते हैं, हम रोते हैं ना तो हम ऐसे मुंह छुपा कर सॉरी एक्सक्यूज मी क्यों भाई, वो चेहरा वही है, जो हंस रहा था वो भी आप ही का है, जो रो रहा है वो भी आपके, आप बदल नहीं सकती, वो दोनों इमोशन भी इक्वली आपके हैं ना। तो आप खुद जब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार हैं कि ये मेरा इमोशन है, जब मैं हंसते समय मुंह नहीं छुपा रही हूं तो मैं रोते समय मुंह नहीं छुपाऊंगी, मैं रोते समय मुंह नहीं छुपाता, मैं कैमरे पे भी रो देता हूं और मैं बहने देता हूं, निकल ही रहा है ना, निकल जाने दीजिए। तो उस पर भी चंद लाइनें हैं कि वरुण ग्रोवर जो गुत्थी बनते थे, वो कहीं पे स्टेज के ऊपर बोलते बोलते बोले कि गुलजार साहब और जावेद साहब ने पूरी दुनिया तो बांट ली है, अब बेचारा कोई नया राइटर आएगा तो क्या लिखेगा। जावेद साहब ने घर के बाहर की सारी चीज़ें अपने पास रख ली हैं, पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, सरहद, सब कुछ, पेड़, पहाड़, गुलिस्ता सब, और घर के अंदर की सारी चीज़ें गुलजार साहब ने रख ली कि वो खिड़की पे एक हवा का झोंका आया उसने तस्वीर टेढ़ी कर दी, है ना, सीलन, मेज़, कुर्सी, आके देखो उस डिबिया पे अब एक फूल खिला है, एवरीथिंग इनसाइड अ हाउस इज गुलजार साहब। तो सब हंस रहे थे, बाद में मैं सोचा कि बात तो करेक्ट कि नया राइटर क्या लिखेगा, तो गुलजार साहब ने एक शब्द का कई बार इस्तेमाल किया है, वो शब्द है सीलन। सीलन मतलब दीवार पे जो सीपेज दिखता है, सीपेज जो होता है ना नया जी, वो दीवार का लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर होता है। कई साल पहले से पानी के छींटे दीवार पे बाहरी तौर पे पड़ते होते हैं, वो कब उस पहले प्लास्टर को तोड़ते हैं, उससे पानी अंदर रिसता है, फिर ईंट और सीमेंट के बीच में रिसता 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 रिसता, कई बारिश झेलने के बाद वो आपको घर के अंदर की दीवार पे दिखता है एक दिन अचानक, अरे सीपेज आ गया। उसके बाद आप उस पर कोई भी रंग पोतते जाइए, आप काला पोतेंगे ना तो वो रस्टिक ब्राउन दिखेगा, थोड़े दिन बाद वो उभर के आएगा। डिप्रेशन ऐसे ही होता है, लेकिन जब तक दीवार पे सीलन दिखनी शुरू होती ना तब तक दीवार को जितना डैमेज होना होता हो चुका होता। तो उस पर चंद लाइनें हैं कि दीवार पे जब सीलन होती है, दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है, मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आँखों से रिसती नहीं अंदर ही अंदर टूटती हैं, दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज़ वो भी ढह जाएंगी। तो अपन दीवार नहीं है, वो एड्स में होता है कि दीवारें भी बोलती हैं, वो फिल्मों में होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान और मुँह नहीं होते हैं, दीवार इंसानों के कान और मुँह होते हैं। तो एक ऐसा कान ढूंढिए जो सुनने को तैयार है और अपना मुँह खोलिए जो बोलने को तैयार। बातें हो गई थोड़ी सी अब ज़्यादा ही डिप्रेशन वाली, अब इससे थोड़ा निकलते हैं। अब मैं अक्षत गुप्ता के बारे में जानना चाहती हूँ।
आप जब भी आपसे बात होती है, बहुत सारे लोग आपसे सिर्फ यही सारी चीज़ें, भगवान भक्ति, क्योंकि आप जो जिस तरीके से बताते हैं ना, मैंने कहा ना आप मॉडर्न सूत जी हैं, तो जिस तरीके से बताते हैं लोग आपको सुनना चाहते हैं। मैं आपके बारे में अब जानना चाहूँगी पर्सनली कि आप कैसे हैं। ज़रूरी है कि एक राइटर को सीरियस ही होना चाहिए, आपका दूसरा साइड भी है जो भी आप लोगों को दिखाते नहीं हैं। नहीं, मैं छुपाता भी नहीं हूँ। आप, मैं वर्ल्ड बुक फेयर में आया हुआ हूँ, आप मेरे से किसी टॉक शो में 1-on-1 मिलिए। ये क्या है ना, कैमरा बड़ा जेनरिक सा है, मुझे मालूम नहीं है कि कैमरे के उस पार कौन है, तो मुझे उस लेवल पे रहना पड़ेगा कि जब मैं आपसे 1-on-1 मिलता हूँ तो मुझे आप दिखते हैं, मुझे समझ में आता है कि आप किस स्वभाव, आपका एक ऑरा है जो मुझ तक पहुँचता है, और उस हिसाब से मैं गिरगिट जैसा आदमी हूँ, आम कैमेलियन। आप जैसे मुझसे मिलेंगे ना, मैं आपके साथ वैसा हो जाऊँ। मैं बच्चों से मिलता हूँ तो मैं उनके साथ मस्ती कर लेता हूँ, मैं यंगस्टर्स से मिलता हूँ तो मैं उनके साथ हंसी ठिठोली कर लेता हूँ, मैं बड़ों से मिलता हूँ तो मैं उनको भी हंसा लेता हूँ। मेरे आसपास के लोग ये बोलते हैं कि इसके रहते आसपास बच्चे की ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाके बहुत बचपना हो गया। वो बचपन के कुछ किस्से बताइए या बचपन के बारे में कुछ बताइए अपने। छोटे से गाँव में पैदा हुआ हूँ, अंबिकापुर नाम की जगह है, वहाँ पे रीजनल लाइन्स हैं कुछ जो चलती हैं। आप तो बिहार से हैं, हमारे भी पूर्वज वहीं के हैं, मुकेश जी भी वहीं के हैं, सॉरी संचित आप वहाँ से नहीं हैं। वहाँ पे कुछ रीजनल लाइन्स चलती हैं जो मैं आई एम श्योर आपको और आपके दर्शकों को समझ में आएगा। वो लाइन कुछ ऐसी है कि क्योंकि जगह बड़ी छोटी थी कि छोटे छोटे गाँव में खोल दें स्कूल जी, 5 कक्षा आए 1 गुरु जी, छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 कक्षा है 1 गुरु जी, वही है हेडमास्टर और वही है चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मन आया वो दिन शिक्षक मन नहीं आया, जे दिन शिक्षक मन आया वो दिन बच्चा मन नहीं आया, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। मतलब कहा था कि ये एक चीज़ जो है जो मैं जानना चाहती थी, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे शायद लोग आपसे वैसा सवाल पूछते, आपने सही कहा कि कैमरे के उधर कौन है ये हम नहीं जानते, तो लेकिन आपके अंदर एक बचपना तो है वो मैंने देख लिया कि हाँ, आप 1-on-1 मुझसे मिलिए तो आपको लगेगा कि यार ये सिर्फ ऐसा नहीं है। तो मेरे बैग में अमूमन चॉकलेट्स होते हैं, इरेजर्स होते हैं, पेंसिल्स होती हैं, और मेरे वो जादुई पिटारा है, छोटी छोटी क्यूट सी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है, और मैं इंसान ही हूँ, मैं भी दुखी होता हूँ। डिप्रेशन बड़ा शब्द है। अब मेरी जो समकक्ष हैं, मैं जिनका हस्बैंड हूँ, उनकी वजह से मैं आज, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने जान बचाई डिप्रेशन से निकल, वो मेरी बेसिन है, वो मेरा बहुत सारा अननेसेसरी मेरी बकवास बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि वो सब बर्दाश्त कर लेती हैं, इसलिए आप लोगों तक और कैमरे तक बहुत सारी चीज़ छन के पहुँचती है कि वो बोलती हैं हाँ ये सब इधर रखो, हाँ वो सब उधर लेके जाओ। तो वो मुझसे काफ़ी त्रस्त रहती हैं क्योंकि उनके सामने सारा बचपना चलता है। अभी भी दुखी होता हूँ, और ये एक बड़ा प्यारा सा नुस्खा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो करता हूँ, मेरे को मुझे जानने वाला हर शख्स, मैं मुंबई में, मेरे पास कुछ फिल्में हैं तो जिन प्रोडक्शन हाउसेज में मैं रेगुलरली जा रहा हूँ, वहाँ के लिफ्ट मैन से लेके और चाय देने वाले दोस्त तक सब मेरे को देख के इसलिए मुस्कुराने लग जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अभी इसके बैग से चॉकलेट्स निकलेंगे। तो आप, मेरे पास पानी आता है तो चॉकलेट मिलती है मेरे पास, उनको पता है। कभी दुखी हो ना आप, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी सी कोई बात हो, वो होता है ना अपन 1-2 के लिए अपसेट हो जाते हैं कि आज ऐसा हो गया। सबके पास बहुत सारे पैसे हो ज़रूरी नहीं है, 5 की पर्क आती है, 5 का मंच भी आता है, 5 की कैडबरीज डेरी मिल्क भी आती है, 5 का छोटा वाला 5-star भी आता है। 10-15 खरीद के हमेशा अपने बैग में रखिए, ऑटो वाले, लिफ्ट वाले, किसी अनजान को एक बार दे के देखिए। आप बुज़ुर्ग आदमी को भी देंगे ना जिसकी चॉकलेट खाने की उम्र नहीं है, आप उसकी नज़रों में उसका बचपना देख लेंगे 1 सेकंड में, वो मुस्कुराने लगेगा मेरे को चॉकलेट मिली, वो बोलेगा अरे साहब हम थोड़ी ना खाते हैं, लेकिन जब वो बोलता होगा ना कि हम थोड़ी ना खाते तो वो ऐसा करता होगा। वो मजाक है ना कि इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी, है ना। और अगर आपको खुद को थोड़ा सा खुश करना है और आपके पास पैसे कम हैं, भगवान ना करे पर अगर हो, और ज़रूरत भी नहीं होती है भाई, आप 4 के लिए अपसेट हुए तो आप क्रूज़ पे तो नहीं जा सकते। अब जितने कॉरपोरेट्स हैं ना वो ब्लैक और वाइट मोज़े ही पहनते हैं, लाल रंग का एक मोज़ा खरीद लो,
बस जाओ किसी दुकान पे और 50 रुपए का है, रोड से खरीद लो। लाल रंग का, चटक पीला रंग का, तोता हरा रंग का मत पहनो कभी, लेकिन ना वो छोटी सी चीज़ अपने आप को आप अपने लिए खरीद लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतना तो हम खुद को खुश कर ही सकते हैं। या 5 रुपए की चॉकलेट किसी और को दे दीजिए, 50 रुपए के की जुराबें खरीद लीजिए, आपका मूड ठीक हो जाएगा कसम से, करके देख लीजिए। तो खुश रहने के नुस्खे भी मिल गए आपको। आप एक लेखक है, बहुत सारे लोग जो है वो राइटर बनना चाहते हैं जी, क्या आप उनको कुछ जैसे उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती, उन लोगों के लिए कुछ बताइए कि किस तरीके से वो शुरू कर सकते हैं या क्या कैसे वो लिख सकते हैं, क्या उनके लिए एक बात होना चाहिए? नेहा जी, कोई पहला एक शख्स होगा, पहला जिसने ये सिंबल बनाया होगा और बोला होगा आज से हम इसको म कहेंगे, तो हम म में आ की मात्रा लगाते हैं और बोलते हैं मामा। सोचिए कि अगर उस शख्स को ऐसा लगता कि हम ये लिखेंगे और ये करके हम इसको प नहीं बोलेंगे, हम इसको म बोलेंगे, तो आज की डेट में आप प में आ की मात्रा लगाती और बोलती मामा, तो रिश्तों में कितना घाल मिल हो जाता कि आप पापा को मामा कहती होती है ना। तो वो कोई पहला शख्स था ना जिसने एक वर्णमाला बनाई, जिसके कोई ABCD बनाया होगा, ऐसी और भी सिविलाइजेशंस थी, उनके अपने अक्षर होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि राइटिंग एक आर्ट फॉर्म है। आप, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राइटिंग इज़ अ स्किल, थिंकिंग इज़ एन आर्ट। एनीबडी कैन टीच एनीबडी हाउ टू राइट, एक लैंग्वेज सिखाया जा सकता है, नोबडी कैन टीच नोबडी हाउ टू थिंक, दिस इज़ एन आर्ट फॉर्म। आप एक बच्चे को ये सिखा सकते कि बेटा ये कैनवास है, इस पर देखो ब्रश ऐसे चलाते हैं, ये वाला ब्रश ऐसे चलाते हैं, कलर्स ऐसे मिलाते हैं, लेकिन जब वो सीख जाएगा ना तो वो उस कैनवास में क्या उकेरेगा वो आप उसको नहीं सिखा सकते, वो उसके दिमाग के अंदर बनेगा। करेक्ट, मुझे लगता है कि राइटिंग में इन टेक्निकलिटीज़ का ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये काम एडिटर्स का है, उनको उनका काम करने दीजिए। आपका काम अच्छा सोचना है, इंटरेस्टिंग सोचना है, और उसको अपने शब्दों में कहाँ पे हाइफन लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, इस शब्द की का सिनोनिम और बेटर क्या होगा, कहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, कहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो जाना चाहिए, अरे नहीं तुम तो नॉवेल लिख रहे हो, नहीं तो नॉवेल का फॉर्मेट तो ऐसे ही होता है, लिखते समय कहीं मत जाइए। और अपने पब्लिशर और अपने रीडर्स के लिए, अगर आप पहली बार लिख रहे हैं तो अपने पब्लिशर्स और अपने रीडर के लिए मत लिखिए, क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं, अभी तो आपके पास पब्लिशर और रीडर है ही नहीं, तो आप उस समय सिर्फ खुद के लिए लिखिए। अगर आप दिल से लिखेंगे तो आपके जैसे लोग आपकी लेखनी को ढूंढ लेंगे, पहचान लेंगे और पढ़ लेंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं ऐसा लिखूंगा तो कहीं मेरे ऊपर लोग क्या कहेंगे, कहीं लोग ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ ये तो उसके जैसा कर रहा है, या कहीं लोग ये तो नहीं, इस पर कुछ विवाद तो नहीं हो जाएगा? विवाद जब होगा तब के लिए आप अभी अपना हाथ मत रोको, अरे आजकल तो फलानी चीज़ चल रही है, फलानी किताब चल रही है, मैं भी उसके जैसा लिखता हूँ। आप वो लिखिए जो आपका मन कह रहा है लिखने को, बस इतनी सी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यानी कि पहली बार अगर लिख रहे हैं तो खुद का सोच कर लिखिए या खुद को खुद के लिए लिखिए? हाँ, अपने लिए लिखिए, बाकी लोग हो जाएंगे खुश। बाकी हमें आगे आपकी तरफ से और क्या पढ़ने को अच्छी चीज़ें, जैसे द हिंदू तो बहुत सारे लोग जो है पसंद कर रहे हैं, आगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? मेरी नेहा जी अगली जो किताब है वो अप्रैल में रिलीज़ हो रही है, पेंगुइन पब्लिकेशन ही कर रहा है, उसका नाम है द नागा वॉरियर्स। ये 3 पार्ट में थी द हिडन हिंदू, हमने ये निर्णय लिया है कि हमारी हर कहानी का इंग्लिश नाम 3 शब्दों का होगा और उसका पहला शब्द द ही होगा। तो ये 3 किताबें हैं जिसका नाम है द हिडन हिंदू। अब जो रिलीज़ हो रही है 2 पार्ट्स में, उसका पहला पार्ट अप्रैल में आएगा, दूसरा पार्ट दिसंबर में आएगा, उसका नाम है द नागा वॉरियर्स। और तीसरे, उसके बाद अगली जो किताब है उसका नाम है द अदर इंडियन। तो इसको लोग एंशियंट स्क्रिप्चर्स ब्लेंड विद हिस्ट्री एंड साइंस फिक्शन बोल रहे हैं। जो द नागा वॉरियर्स आने वाली है वो हिस्टोरिकल फिक्शन है, और जो द अदर इंडियन आएगी अगले साल वो पॉलिटिकल साइंस फिक्शन है। तो आमतौर पे ऑथर्स अपने जॉनर से स्टिक टू रहते हैं, पब्लिशर्स भी यही समझाते हैं कि देखो बॉस, बड़ी मेहनत करके तुमने एक फ़ैन बेस बनाया है, तुम्हारे से लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तुम यही करो।
मैं अगर एक्टिंग करता होता ना और मैं एक बार अगर पुलिस की का चोंगा पहन लेता ना, तो मैं अगली बार पुलिस का ड्रेस कभी नहीं पहनता, फिर मैं डाकू का ड्रेस पहनता। तो मेरे को इस बात की घबराहट नहीं है कि मैं जॉनर चेंज करूँगा तो मेरे रीडर्स छिटक जाएंगे। अच्छी कहानी ही होती है। कहानियों में आप कुछ भी खाएं, आपके ज़बान को स्वाद अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा। तो मैं अलग अलग जॉनर्स पे स्विच करने वाला हूँ। तो यानी कि आपके जो भी लोग आपको पसंद करते हैं उनको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ से भी मिलने वाली हैं जी। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हमने हंसी मजाक की बातें की, हमने आपका दूसरा साइड भी जानने की कोशिश की, कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल टूटा है? अरे कई बार टूटा है। मैं ये कोई सीरियस वाली बात नहीं है, नहीं, जवानी के दिनों में, मतलब आप जब यंग होंगे, किसी को आपने पसंद किया हो और उसकी तरफ से रिजेक्शन आया हो, क्योंकि आपके अंदर एक शायर भी है एक लेखक भी है, तो ऐसा होता है ना, कहते हैं शायर लोग बार बार दिल लगा लेते हैं, तो आपके साथ में जानना चाहूंगा। नहीं, ये तो बहुत देर से पता चला कि हम लेखक और शायर हैं, लेकिन उसके लक्षण पहले से थे पर हमको नहीं दिखा था। हमारी एक मैडम थी स्कूल में, जब मैं स्कूल में था तो मेरी एक टीचर थी, वो मुझे थी ही खूबसूरत, तो मुझे क्या सभी को बहुत खूबसूरत लगती थी। उनका नाम लतिका था, आज पता नहीं कहाँ है। अगर देख रही हूँ, अगर देख रही हूँ तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप मेरी पहली क्रश हैं। बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, हिस्ट्री पढ़ाती थी। फिर हाँ, स्कूल में छोटे शहर से थे तो ये ज़रूर होता। मैं पहली बार जब इंदौर पहुँचा था तो मैं इतना कोंदा था कोंदा हमारे साइड में, मतलब सीधा, बेवकूफ़, फुद्दू बुद्धू, जो बोलना है आप। तो मैं इतना कोंदा था कि मैं पहली बार फास्ट फूड सेंटर में गया था तो उस पर वो वाटर डिस्पेंसर रखा हुआ था, मैं उसमें से पानी नहीं ले पाया। और वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जो मेरे को बड़ी अच्छी दिख रही थी और बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न थी, और वो देख रही थी ये, मतलब वो आराम से बैठ के, शी वॉज मॉकिंग मी, तो आराम से बैठ के देख रही थी कि मैं देखती हूँ कि कब तक पानी निकाले गए। मैं नहीं निकाल पाया, खूब हंसे थे वो लोग मेरे ऊपर, अनजान लोग थे। तो उस दिन मेरा दिल बहुत टूटा था कि यार शायद हम इस तबके के लायक ही नहीं, कि हमसे तो ना हो पाएगा साहब, वैसी वाली फीलिंग आई थी। ठेठ हूँ अपने खाने को लेके भी ठेठ हूँ। खाने में क्या पसंद है? खाने में मैं बहुत रोटी सब्जी दाल चावल वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सात्विक व्यक्ति हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि डिनर में पिज़्ज़ा बर्गर डोसा नहीं खाना चाहिए मतलब क्योंकि मैं सेंट्रल इंडिया का हूँ, मेरे साउथ इंडिया के प्यार करने वाले इसको अन्यथा ना लें। आपका वो आपको वो भी पसंद है? हाँ, मुझे लगता है कि डोसा और इडली नाश्ते का सामान है। मुझे लगता है कि दो टाइम, दोपहर और रात को रोटी सब्जी दाल चावल के टाइम में रोटी सब्जी दाल चावल ही होना चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, पास्ता, शॉर्मा, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, इडली, ये सब आप उसके बीच बीच में कहीं कहीं खा लो, लेकिन और मेरे आसपास वाले जानते हैं कि कहीं भी इसको ले जाओ, लेकिन ये आखिरी में बोलेगा कि तुम लोग का सबका हो गया, तुम लोग का मन भर गया, हाँ भर गया, अब मेरे को रोटी सब्जी दाल चावल खिला दो। तो मेरे लिए रोटी सब्जी दाल चावल बहुत ज़रूरी। कहते हैं जब आप इंसान, आपके पास 120 मिलियन से ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, आपकी रीच है, ऐसे में बहुत सारे फैंस होंगे, कभी ऐसे किसी फीमेल फैन से इनकाउंटर हुआ है कि बहुत ही आपको अटपटा लगा हो? जी, अभी थोड़े दिन पहले पुणे की एक महिला थी, शुरू में उन्होंने बात अच्छे से की तो हमने भी रिस्पॉन्ड किया, फिर हमको लगा कि समझदार हैं, बाद में समझ में आया कि हम समझदार नहीं थे, उनको समझदार समझने की गलती हो गई, तो उनसे नंबर आदान प्रदान हो गया। फिर उस दिन एक दिन उन्होंने मैसेज किया एक अटपटे से वक्त में, और उन्होंने कहा कि आप मुझे फ़ोन कीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। मैं बोला ये गलत वक्त है, बात नहीं हो पाएगी, और हमने कभी उनसे बात की नहीं थी चैटिंग पे, क्योंकि वो इस तरीके की चीज़ें थी कि मुझे कुछ हेल्प चाहिए, हेल्प एज इन कि जीवन में कुछ डिप्रेशन चल रहा है, प्रॉब्लम है, मैं चाहती हूँ आप मेरी मम्मी से एक बार बात कर लें, आप उनके लिए एक लाइन, ये सब चल रहा था। तो एक दिन अटपटे समय में फ़ोन आया, बोला आप मुझे अभी फ़ोन कीजिए। मैं बोला नहीं, ये तो एक तो हमारी कभी बात नहीं हुई है और ये तो बहुत ही गलत वक्त है। तो उनका अगला मैसेज आया कि आप मुझे 10 मिनट के अंदर फ़ोन कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो उनको सबसे पहले ब्लॉक किया गया। तो इस तरीके की हरकतें आप फ़ैन बन के कोई भी किसी के साथ भी ना करें। हम लोग आप सब लोग से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके के प्रेशर में बहुत सारे अच्छे और जेन्युइन
जो लोग हमारी जिनके हम सच में काम आ सकते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि नहीं भाई ये तो, फिर वही होता है कि सर नंबर दीजिए, और हम बोलते हैं नहीं दे पाएंगे। तो ये बड़ा अजीब था। कुछ लोग हर तरीके के लोग हैं, कुछ लोग मिलते हैं, एक अभी थोड़े समय पहले एक महानुभव मिले थे। हाँ ये बड़ी प्यारी बात है, मैं एयरपोर्ट में था और बोर्डिंग शुरू नहीं हुई थी, तो मैं एक चेयर ढूंढ रहा था कि मैं बैठ सकूँ, टिक सकूँ थोड़ी देर। तो वो लाइन से ऐसे चेयर्स के बेंचेस के लाइन लगे होते हैं, तो मैं चल रहा था तो एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो मेरी उम्र का होगा। तो मैं जैसे जैसे उसके पास आ रहा था तो वो इंस्टॉलमेंट्स में से धीरे धीरे उठ रहा था मेरे को देख के। तो अब लोग पहचानते हैं, तो मेरे को लगा हाँ पहचान गए होंगे, तो मैं उनके पास आते थे, मैं भी मुस्कुराने लग गया। तो जब मैं उनके यहाँ तक आ गया तो वो खड़े हुए बोले देवदत्त पटनायक। तो मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई थी। तो इस तरीके की प्यारी प्यारी चीज़ें होती रहती हैं, मज़ा आता है। प्यारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनजान अलग से लोग मिलते हैं तो डर भी लगता है। ब्लैक मैजिक की बात मैं यहाँ करने वाली हूँ। आपने कहीं बोला है कि आपके और आपके परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। कैसे पता करते हैं कि ब्लैक मैजिक हो चुका है, या क्या उसके मतलब किस तरीके से वो हमें फील होता है? नेहा जी, मैं ना बचपन से मैं अब जो बातें समझता हूँ थोड़ा बहुत, या मेरी जो भी सीमित समझ में मैं आप लोगों से साझा कर पाता हूँ, मैं बचपन से ऐसा था नहीं, मेरा कोई रुझान नहीं था इन चीज़ों में। और जब आपका भगवान पे रुझान नहीं होता तो फिर आपको दूसरे साइड से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि आप मानते ही नहीं है ना। आप बोलते हैं कि ना भगवान होता है, ना भूत होता है, ना काला जादू होता है, ना सफ़ेद जादू होता है टाइप की बात है। तो मेरे परिवार पे, ख़ास तौर पे मुझ पे जो भी चीज़ें हुई थी, जब मेरे सगे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि हम किसी के पास जाना चाह रहे हैं और आप चलिए, तो मैं बोला कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। उस समय माली हालत, फाइनेंशियल पोजिशन भी बहुत ख़राब थी। मैं बोला ऐसी हालत ख़राब है यार, क्या ये सब तुम झाड़ फूँक पागल टाइप की बातें कर रहे हो। तो क्योंकि मैं नहीं गया तो मेरा सगा छोटा भाई और उनकी वाइफ वो गए उनके पास, और वहाँ पे उन्होंने बोला कि तुम्हारे करीबी लोगों में से किसी ने किया है, मैं उसको हटा नहीं सकता लेकिन मैं उसको रिवर्स कर सकता, बोलो कर दूँ। तो छोटा भाई बोला कि भाई सगा भाई है, मरने की हालत में, उसको बचाने जो किए, किसी और का नुकसान होगा लेकिन मेरे भाई से बढ़ के थोड़ी ना है। तो बोले हाँ ठीक है जाओ, कर दिया। उसके बाद एक परिवार में वही सारी चीज़ें उसी सीक्वेंस में हो गई, तो मैं विवश हो गया। आई वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें होती, क्योंकि वो दोनों जन आए बोले भैया ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, बोले मुझे नहीं मालूम, मैं इसको हटा नहीं सकता लेकिन जिन्होंने भी किया होगा ना उनको, उन पर बाउंस बैक हो जाएगा तुमसे हट के। जिस मतलब मैं आप अगर वॉल हैं और मैंने आपकी तरफ बॉल फेंक दी तो बॉल तो वापस टप्पा खा के मेरे साइड आ जाएगी। तो वो उन्होंने रिवर्स कर दिया था। तो मैं जब वो आके छोटा भाई बोला, मैं बोला हो गई तसल्ली, चलो जाओ काम पे लगो, दिमाग मत खराब करो। लेकिन उसके बाद जब वो उसके बाद वो चीज़ें होने लग गई सच में, कि इधर पे सुधार होने लग गया और उधर पे बिगाड़ होने लग गया, और वो उसी सीक्वेंस में वही सब हो गया सामने वाले के साथ। तो मैं मजबूर हो गया मानने के लिए कि बॉस कुछ तो होता है जिसकी समझ मुझे नहीं है, अभी भी नहीं है। अब वो नहीं रहे, और बैंगलोर के पास एक छोटा सा गाँव है शिवमोगा, वहाँ के थे वो, मैं कभी उनसे मिला नहीं, पर ना मेरे पास उनका नंबर है। मैं आप जानबूझ के ये पार्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ना फिर मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि आप उनका नंबर दे दीजिए, आप उनका नाम बता दीजिए। उनका नाम और नंबर मेरे पास नहीं है, ये सालों पहले की बात है। ये मैं उससे पहले भी और इस बार भी सिर्फ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ये मेरा तजुर्बा है, ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, पर उन तक कैसे पहुँचना है मुझे नहीं आता। मैंने इसलिए आपसे ये सवाल पूछा क्योंकि आपकी बातें लोग जो है आप लॉजिक्स के साथ बात करते हो, और ये आपका खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं तो शायद लोगों को यकीन होगा कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें भी होती हैं, और शायद आने वाले समय में हमें इस पर कोई किताब मिले। अगर आप मानते हैं कि भगवान है तो आपको मानना पड़ेगा कि शैतान है, क्योंकि हर भगवान की कहानियों में शैतान की जगह है। हनुमान चालीसा लिखने वाले व्यक्ति ने भी लिखा ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, करेक्ट है ना। तो मतलब वो हैं तो ये तो हैं ही, अगर दिन है तो रात तो होगा, और रात होगी तभी आपको दिन की महत्ता पता रहेगी। यू विल वैल्यू लाइट ओनली व्हेन यू विल फियर डार्क। अगर हमेशा ही रोशनी रहेगी तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा। तो है तो ज़रूर, अब वो मुझे लगता है कि हम कितने नेगेटिव हैं और हम कितने पॉजिटिव हैं उस पे निर्भर करता है कि हम पे कौन सा फोर्स ज़्यादा काम कर पाएगा। यानी कि बहुत सारी तरीके की हम बातें हमने की हैं,
एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप मैंने जैसे कहा आप बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हैं। आज जितना लोगों की लाइफ में परेशानियां हैं, जितनी जल्दी वो चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, लाइफ को सिंपल बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स उनको दीजिए कि ठीक है भागदौड़, ठीक है अपना काम कर रहे हो, ठीक है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत भागदौड़ है, लाइफ को सिंपल बनाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए इंसान के पास? पैसा या क्या चीज़ें होनी चाहिए इंसान के पास? अपने लोग खुशी क्या देगी? शाहरुख खान साहब ने एक बात बोली थी जिससे मैं पूरा इत्तेफाक था, उन्होंने सही कहा था कि फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलोसोफर। पैसे वैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे में क्या रखा है, ये उनके ही मुंह से अच्छा लगता है जो जिनके पास पैसे होते हैं। जिनके पास नहीं होते हैं जब वो ये बात बोलते हैं ना, तो फिर वो ऐसे ही सुनाई पड़ता है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। तो पहले आप अमीर की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, आप कम से कम अपनी ज़रूरत का सामान इकट्ठा कर लें, उसके बाद आप फिलॉसफर बने। लाइफ को सिंपल बनाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपने आप में बहुत सिंपल रहें। मुझे आप अच्छी नहीं लगेंगी तो मैं आपको कह दूंगा कि आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए, मुझे आप अच्छी नहीं लग रही। ऐसा आप मुझे मैं चली जाऊँ? अच्छा आप ऐसे चलिए नेहा जी आप नहीं, मजाक कर रहा हूं। और हम लोग बड़े डिप्लोमेटिक हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमसे सब खुश रहें। जैसे आप देखिए हम लोगों की आदत हो गई सबकी, हम बोलते हैं मैं आपसे ये बोल रहा हूँ आप प्लीज़ बुरा मत मानना मगर अरे भाई अगर आपको इतनी चिंता है कि उसको बुरा ना लगे तो अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखो, वो बात मत बोलो। और अगर बोलना इतना ज़रूरी है तो उसको शुगर कोट करके उस दवाई को ऐसे उसमें मत लपेटो ना पिल में, फिर सीधे सीधे बोलो। ये हमारी आदत का हिस्सा हो गया है कि हम अपनी बात बोलें। देखिए आप बुरा मत मानिएगा ना मगर, मतलब आपको पता है ना कि आप जो बोलने वाले वो बुरा लगे सामने वाले को, तो या मत बोलो। और फिर अगर बोलना ही है कि भाई तुम्हारी ये बात ठीक नहीं लगी, तो फिर ये बुरा मत मानिएगा वाला इसको छोड़। ये रॉकेट साइंस तो नहीं समझा रहा हूं मैं, ये बहुत सिंपल है। आपको कोई बात बुरी लगी होगी या आप चाह रहे हैं कि उसको कोई बात बुरी लग जाए। अगर आपको कोई बात बुरी लगी इसलिए आप बोल रहे हैं कि देखो साहब आपने ऐसा बोला, ये बात मुझे अच्छा, मतलब आप मेरे को अन्यथा मत लीजिए, ले लो भाई अन्यथा। तो बड़ा सिंपल है, आपका हर रिश्ता सिंपल है। और मुझे लगता है कि हर रिश्ता तभी तक खूबसूरत होता है जब तक वो रिश्ता दो लोगों के बीच होता है, तीन लोगों का रिश्ता नहीं होता। आपका आपके पिता से एक रिश्ता है, वो पिता और पुत्री का रिश्ता है, उसमें माँ की भी जगह नहीं। आपका अपनी माँ से एक रिश्ता है, वो माँ बेटी का रिश्ता है, उसमें पिता की जगह नहीं। आपके चार भाई हैं तो आपका अपने हर भाई से एक रिश्ता है, उसमें दूसरे भाई की जगह नहीं। इसीलिए पति और पत्नी एक ही होते हैं, क्योंकि दो पति होंगे तो गड़बड़ा जाएगा, दो पत्नी होंगी तो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन आजकल तो वो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, दो पत्नियां भी लोग रखते हैं और एक घर के नीचे रखते हैं। नाम नहीं लूंगी लेकिन हाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं आजकल दो पत्नियां एक घर के नीचे रहती हैं। नहीं लेकिन आप उनसे जाके पूछिए ना कि फिर वो ये नहीं बोल सकते कि लाइफ सिंपल कैसे होती। मैं यही तो बोल रहा हूँ, उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगी हमेशा। तो सिंपल रखने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करते हैं ना, मुझे नेहा जी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, कैमरा बंद होगा, मैं मुकेश जी को ऐसे कंधे पे हाथ रख के ले जाते बोलूँगा मुकेश जी बाकी सब ठीक था लेकिन नेहा जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे नेहा जी को मैं बोलूँगा ना कि नेहा जी बाकी सब ठीक था लेकिन प्लीज़ ये वाला पार्ट काट दीजिएगा, मुझे नहीं चाहिए, आपको ये नहीं पूछना चाहिए। तो फिर ये फिर नेहा जी और अक्षत गुप्ता का रिश्ता रहेगा कि मुझे आपसे कोई शिकायत थी, मैंने अकेले में आपसे कहा। तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि जब तारीफ करो तो जोर से करो, जब शिकायत करो तो धीरे से करो। जब तारीफ करो तो भीड़ में करो, जब शिकायत करो तो अकेले में करो। वो अकेले में किससे करो, जिसकी शिकायत है उससे करो। हमको बचपन से सिखाया गया है, आजकल आप लोगों का कॉरपोरेट कल्चर है ना कि बॉस को भी नाम से पुकारना है ना, बॉस खुद बोलता है और डोंट कॉल मी सर, कॉल मी बाय माय नेम। और हम कर ये हमारा कल्चर नहीं है भाई। हमको बचपन से सिखाया गया है कि आप अपने छोटों को प्यार देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, आप अपने बड़ों को इज्जत देंगे तो आपको प्यार मिलेगा। इसमें क्या सिखाना है इसमें? तो हमारे पूर्वजों ने ना सब चीज़ बड़ा सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, हमको दिमाग भी नहीं लगाना, बस उस पर चलना है। यानी बड़ों की बात सुननी चाहिए और सादगी। हाँ, अगर मुझे मेरे पिता की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो मैं माँ को क्यों बोलूँगा, पिता को बोलूंगा कि डैड मेरे को ये अच्छा नहीं लगा प्लीज। फिर वो उनको वो बात अच्छी नहीं लगेगी तो वो बोलेंगे कि तुम ज़्यादा बड़े हो गए बे, मेरे को सिखाओगे। तब भी ये दो ही लोगों का संवाद चल रहा है।
यही चीज अगर मेरी माँ जाके बोलेंगी ना कि सुनिए वो ऐसा बोल रहा था कि, तो मेरे पिता बोलेंगे तो मेरे को नहीं बोल सकता था, वहीं से गड़बड़ शुरू होती। बहुत सारी बातें हुई, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी। वैसे तो आपने द हिडन हिंदू लिखी है, बहुत सारे उसमें चीजों के बारे में बात की है। एक कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कृष्ण राम कौन पसंद है सबसे ज्यादा? और कृष्ण से जुड़ा एक और आखिरी सवाल, क्योंकि मथुरा जो है वो ट्रेंडिंग है, तो मैं मथुरा से जुड़ा हुई सवाल पूछूंगी, क्योंकि कृष्ण आ रहे हैं मथुरा में। तो पहले आप ये बताइए कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? विष्णु जी। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने दो नाम लिए, राम और कृष्ण, दोनों विष्णु हैं। तो मुझे उसमें भेदभाव कर, मैं द्वारका में, गुजरात में, वृंदावन में जाके जय सिया राम बोलना चाहता हूँ। मैं अयोध्या में जाके राधे राधे बोलना चाहता हूँ। कि क्यों हम लोग आपस में क्यों डिवाइड हो भाई? क्या मतलब वो कृष्ण के अनुयायी अलग और राम के अनुयायी अलग क्यों, जब कृष्ण और राम तो एक ही के अवतार थे? मैं साईं बाबा को नहीं मानता हूँ। कुछ लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, पर ये मेरी आस्था और मेरी मान्यता और मेरे धर्म की बात है। सोमवार किसका दिन होता है? शिव जी का। मंगलवार किसका दिन होता है? हनुमान जी का। बुधवार किसका दिन होता है? गणेश जी का। वैसे ही थर्सडे जो है वो विष्णु जी का दिन होता है। तो मेरे लिए वो थर्सडे विष्णु जी का ही दिन रहता है, वो थर्सडे मेरे लिए साईं बाबा का नहीं हो पाता। साईं बाबा को मानने वालों से मेरा कोई उरेस परहेज नहीं है। आप अपने साईं बाबा को मानिए, मैं अपने विष्णु को मानूंगा। मेरे लिए थर्सडे मतलब साईं बाबा नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मेरे बचपन से मैंने यही देखा सुना है। मैं हूँ भी वैष्णव, हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं शैव हूँ कि वैष्णव हूँ, लेकिन मैं विष्णु जी पे मेरी आस्था बहुत है, और विष्णु जी की जो आस्था है वो शिव जी पे बहुत है। तो ये वही वाली बात है कि अगर मैं अपने माता पिता का पांव रोज छू लूंगा तो मेरे भगवान मुझसे खुश रहेंगे। तो विष्णु जी, अब जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी मथुरा के बारे में, हमारे श्री कृष्ण के बारे में, हम सबके प्यारे जो हैं श्री कृष्ण, उनके बारे में, श्री कृष्ण आपके लिए कौन है? राम और कृष्ण जी का ये बहुत चंट है ना नेहा जी, एक एक आखिरी बोल के ये बस आखिरी सवाल, और ये उसके बाद, क्योंकि मैंने इसलिए, और ये काटिएगा मत, ये बिल्कुल भी नहीं। आखिरी सवाल है, श्री कृष्ण आपके लिए कौन है? क्योंकि वो एक उनका अलग अलग उनके रूप जो है हमें कहीं पर वो अपने अपने अपनों पर भी प्रहार करने से वो पीछे नहीं हटे, तो कहीं पर वो गोपियों के साथ रास भी करते थे, उनके में बचपना भी था, वो मक्खन भी, तो उनके सारे जितने भी चीजें थी उनमें सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है और कृष्ण आपके लिए क्या है, ये मेरा आखिरी सवाल है। कृष्ण मेरे लिए सीख है। सबसे पहली जो सीख है कृष्ण मेरे लिए वो ये है कि हमको समय के साथ परिवर्तित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि विष्णु अवतार राम थे, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला गया, जो हर चीज अपने दायरे में रह के किए। विष्णु जी जो अभी हम बात कर रहे थे ना राइटिंग के लिए, कि कोई फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, विष्णु कृष्ण जी ने कोई फॉर्मेट फॉलो ही नहीं किया है ना। तो कृष्ण जी को माखन चोर भी बोलते हैं आप। एक तो सबसे खूबसूरत बात हमारी सनातन धर्म की है ना, कि हमारे जो सारे भगवान हैं ना वो हमारे दोस्त हैं। हम तू तड़ाक करके उनसे बात कर लेते हैं, उनको बुरा नहीं लगता है। हम बाल गणेश और बाल हनुमान कर लेते हैं, हम अपने भगवान को चोर बोल लेते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। उनको मालूम है कि प्यार से, मेरे साथ खुद है, जब मुझे किसी पे बहुत प्यार आता है तो मैं उसके साथ तू तड़ाक पे चला जाता हूँ, प्यार नहीं तो ऐसे मैं अदब से बात करता हूँ। तो कृष्ण जो हैं वो मेरे लिए सीख हैं सबसे पहली, और उनके जीवन का पूरा सार जो मेरे लिए है वो ये है कि समय के साथ भगवान भी अपना रूप बदलते हैं। वो वापस से राम शक्तिशाली तो होते ही थे, क्योंकि थे तो विष्णु अवतार। तो विष्णु अवतार जब द्वापर युग में आए तो कृष्ण बन के क्यों आए, राम बन के क्यों नहीं आ गए? फिर से नाम कुछ भी रखते, लेकिन उनका चरित्र राम जैसा क्यों नहीं था? क्योंकि हमको ये समझने की ज़रूरत थी कि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि समय के साथ आपको भी परिवर्तित होना पड़ेगा। आपके जो दुश्मन हैं उनसे लड़ने के लिए आपको उनके जैसा होना पड़ेगा। आप बिल्कुल, आप सोचेंगे कि नहीं मैं ऐसा बैठा रहूँगा, वो जो करे तो गला काट के चला जाएगा आपका। आपको वही कृष्ण है जो जब उनको लगा तो रणछोड़ दास भी बने। इसीलिए आज भी भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऑफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। हम किसी पे हमला नहीं करते। हम कई बार, हमारे साथ गलत हो जाता तो भी हम बोलते हैं शिशुपाल 97 हो गया है, बस करो, है ना। तो हम उसी पद्धति को मान के आए हैं, जबकि तो एक ही विष्णु के अवतार जो राम आए वो अलग, उनका उनके साथ
रामचरितमानस और मर्यादा पुरुषोत्तम, हम मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं बोलते। कृष्ण नटखट थे, कृष्ण माखन चोर थे, कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते थे, कृष्ण रणछोड़ दास कहलाए, कृष्ण को नाराजगी हुई तो छलिया भी कहते, छलिया बहुत 660 नाम है कृष्ण के। और वो जो मैं अभी मजाक में बोल रहा था ना कि मैं गिरगिट प्रवृत्ति का हूँ, आप मेरे साथ जैसे होंगे ना मैं आपके साथ वैसा हो जाऊँगा। मैं मानता हूँ कि ये गुण सब में है और ये गुण सब में कृष्ण जी से आया है कि वो छल कपट से भी जब जीतना पड़ा तो घी सीधी उंगली से नहीं निकली, मक्खन तो निकल जाता होगा उनका, लेकिन जब घी सीधी उंगली से तो वो टेढ़ा भी किए। वो दुर्योधन को बुद्धू बना दिए जब वो गांधारी के पास जा रहे थे नग्न अवस्था पे, कि बोले शेम शेम शेम, ऐसे कोई जाता इतने बड़े हो गए तुम, वो बेवकूफ लपेट के चला गया। उसी चक्कर में उनका खेल लगा लास्ट में। वो भीम का फाइट चल रहा था एक, मैं नाम भूल रहा हूँ उस राक्षस का, ऐसे फेंकते थे वो आके, जरासंध था शायद उसको, भीम दो टुकड़ा कर देता था, फेंक देता था, वो आता था शरीर वापस जुड़ जाता था, फिर तोड़ के फेंक देता, फिर जुड़े, हाँ हाँ हाँ, जस्ट कृष्ण वहाँ खड़े हुए थे, भीम कंफ्यूज, भीम ऐसे कृष्ण को देखा क्या कम इसका, वहाँ बोल तो सकते नहीं, तो कृष्ण एक लकड़ी को ऐसे तोड़े ऐसे फेंक दिए। तो भीम को समझ में आया कि इसका राइट का राइट और लेफ्ट का लेफ्ट नहीं फेंकना है, राइट को लेफ्ट फेंकना, लेफ्ट को राइट फेंकना, आके नहीं जुड़ेगा। तो ये उनके बहुत सारे रूप हैं, वो गोपियों के साथ रहे हैं तो वो बहुत कोमल रहे हैं, वो युद्ध में उतरे हैं तो वज्र से कठोर हो गए हैं। तो ये तो वही प्रवृत्ति हो गई ना कि मैं आपके साथ हूँ तो मैं बिल्कुल वैसा हूँ, अभी बाहर कोई अभी कोई अड़ेगा तो मैं उसके जैसा हो जाऊँ। तो इसीलिए कृष्ण की मान्यता, और आज कृष्ण को मानने वाले इतने सारे लोग हैं, और जितनी ये राम की, जो मैंने बोला कि मैं अयोध्या जाके हरे रामा हरे कृष्ण बोलना चाहता हूँ, राधे राधे भी बोलना चाहता हूँ, और मैं वृंदावन जाके जो जो से जय सिया राम चिल्लाना चाहता हूँ, क्योंकि हमको आपस में ऐसे विभाजित होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, हम सतयुग से कलयुग पे आए, हम राम से कृष्ण, हमने हर एक बात की, अस्त्र शस्त्र की बात की, हमने युगों की बात कर ली, बहुत सारी खास बातें की, हमने डिप्रेशन से कैसे एक अच्छा लेखक बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, ये सारी बातें की। और थैंक्स टू यू कि आपने अपना इतना समय दिया। जिन लोगों ने द हिडन हिंदू अभी तक नहीं पढ़ी है, ज़रूर पढ़िएगा, और आने वाले समय पर आपकी और भी अच्छी किताबें आने वाली हैं जो पसंद आएंगी। और आपसे सबसे पहली चीज़ तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करूँगी कि आप बहुत ही पैक्ड थे, आपने टाइम निकाला, हमें इंटरव्यू दिया, और मैंने बहुत सारे आपसे सवाल पूछ लिए, उसके लिए माफ़ी भी चाहूँ। नहीं, कोई माफ़ी की बात नहीं है। आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके सारे दर्शकों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और पढ़िए और जानिए बसंत पंचमी की का इम्पोर्टेंस क्या है। वैलेंटाइंस का इम्पोर्टेंस तो आप सबको पता ही है, तो वैलेंटाइंस डे भी खूब रज के मनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर ख्याल रखिए, पीने खाने का भी ख्याल रखिए हिसाब से, और प्रोटेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।